वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। मैं आपके सामने बिहार मॉक इंटरव्यू एपीओ का 2023 उसका पार्ट 5 लेके आया हूँ और आज ही सुबह एक और वीडियो पार्ट 3 अपलोड हुई है जिसमें मैंने कहा था पार्ट 5 की चर्चा की थी और वो पार्ट 5 इनफैक्ट जिस दिन बिहार एपीओ का रिजल्ट निकला उसके ठीक अगले दिन से हम लोगों ने मॉक सेशन स्टार्ट कर दिया और हर रोज हम लोगों का मॉक सेशन होता और उस सेशन के दौरान पार्ट 5 एक ऐसा पार्ट 5 आप देखिए दो तीन चीजें मैं आपको बताऊं। ओपनिंग मैसेज के तौर पे आपका बिहार एपीओ का इंटरव्यू इसका फर्स्ट पोर्शन जो है आपका इंटरव्यू जो है इनफॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। तो कब आपने पास आउट किया, आपने लॉ क्यों किया, लॉ करने के पीछे कोई खास वजह, आप अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, जॉब प्रोफाइल, तो ऐसे तमाम तरह के इनफॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। इसमें कुछ ऐसे इनफॉर्मल क्वेश्चन भी होते हैं। उदाहरण के तौर पे पहले ये डील कर दूं, पहला इनफॉर्मल क्वेश्चन, सेकंड जो है फॉर्मल पार्ट। इसमें जो आपका सिलेबस है आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, माइनर एक्ट, एलएलएम किया है तो आपके डिजर्टेशन का पेपर या कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन और उससे संबंधित चीजें, और थर्ड की थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिकल आइडिया है या नहीं है, उस तरह के सारे वीडियो में इनकी चर्चा करता था। आज हम लोग बेसिकली कन्फाइंड है इनफॉर्मल पार्ट में। एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि आपका जुडिशियरी में सिलेक्शन हो गया, मान लीजिए मुझे थोड़ी हिंदी सॉरी मान लीजिए आपका एपीओ में सिलेक्शन हो गया और आप कल को जुडिशरी में हो जाता है तो आप एपीओ को छोड़ दें। तो इस देखिए स्वाभाविक है कि जो बच्चे आज की डेट में एपीओ में सेलेक्टेड हैं उन बच्चों का कल जुडिशरी में सिलेक्शन हो जाता है तो स्वाभाविक है कि वो एपीओ को छोड़ के जुडिशरी में जाएंगे, नेचुरल है। इंटरव्यू बोर्ड भी को भी पता है इस बात का कि जिन बच्चों का पहले एपीओ में सिलेक्शन हो गया है और जुडिशरी का मौका मिलता है तो उन्हें भी पता है कि आप एपीओ छोड़ के जुडिशरी में जाएं। ऐसा नहीं है कि आप क्या करेंगे उनको नहीं पता, उनको पता है, हर किसी को पता कि आज आप एपीओ हैं, कल जुडिशरी में हो गया तो आप एपीओ छोड़ेंगे और जुडिशरी में जाएंगे। अब वहां पे मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे लोग क्वेरी होते हैं कि सर अगर बोल दें कि एपीओ छोड़ेंगे तो बोलेंगे ही नहीं, तो ये सब देखिए बहुत सारी बकवास की चीजें हैं सोशल मीडिया पर। मैं तो उन सारी चीजों का जवाब नहीं दे सकता, ना मेरे पास उतना वक्त है। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर सबको पता है क्यों पूछे जाते जानबूझकर? ये आपकी पर्सनालिटी डाउटफुल है या ट्रूथफुल, इसलिए पूछा जाए। आप इंटरव्यू के दौरान जो चीजें कह रहे हैं वो चीजें कितनी सच्ची है कितनी झूठी, तो अमूमन देखेंगे बहुत सारा वक्त ये पार्ट 5 में भी इन्हीं सारे चीजों पे डिस्कशन है कि कल को अगर आपका जुडिशरी में हो जाएगा तो आप एपीओ को छोड़ देंगे। तो इसका आंसर आप कई तरीके से दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पे और भी मैं बेहतरीन तरीके इसके बताऊंगा, फिलहाल आप ये आप बोलिए कि सर हर मनुष्य एवरी ह्यूमन बीइंग प्रेफर्स बेटर फ्यूचर। मैं लिख भी देता हूँ, आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। एवरी ह्यूमन बीइंग प्रेफर्स बेटर फ्यूचर, ये फैक्चुअली भी बात सही है, लॉजिकली भी करेक्ट है। और कल मेरा जुडिशरी में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा यह अनिश्चितताओं का दौर है। कल क्या होगा उसके बारे में आज कुछ अनुमान लगाना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा अब मेरा जुडिशरी में अब एपीओ में सिलेक्शन होने के बाद होगा या नहीं होगा, मैं एपीओ में अपनी ड्यूटी निभाते हुए मुझे फर्दर स्टडी का कितना टाइम मिलेगा, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जुडिशरी में होगा या नहीं होगा, अनिश्चितताओं का दौर है। आप उनको गारंटी इस बात की बिल्कुल मत दें कि आप एपीओ को नहीं छोड़ेंगे और एपीओ ही सर्वे सर्वा है। कोई फिल्मी कहानी ना सुनाए वहाँ पे उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में। अगर वो बात फैक्चुअली इनकरेक्ट पाई गई तो फिर आपको फायदे की जगह काफी नुकसान हो सकता है। एक तो क्वेश्चन ये है आज के वीडियो में, आज जो रात में क्लास होगा वो 6 पार्ट होगा वीडियो का, तो उसमें एक और क्वेश्चन है कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है या नहीं। स्वाभाविक है कि एपीओ को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस थोड़ी जरूरत है। तो अब इसका एक सबसे तगड़ा अफवाह यह फैला हुआ कि अगर आप कह दें कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए, नोटिफिकेशन में ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है या नहीं। पहली बात, अगर आप कहते हैं कि आप कोर्ट जाते हैं, झूठा बता दिया आपने, दो चार दिन से जाना शुरू कर दिया और झूठा आपने बता दिया कि आप रेगुलर कोर्ट जाते हैं और आप जानते हैं, तो दो चार सवाल वहां पे होंगे तो आप सेकंडों में बेनकाब हो जाएंगे। आप खुद अपने दिल से पूछिए कि अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं और सामने वाला जो बंदा इंटरव्यू दे रहा है आपको, अगर आपको लगे कि ये मुझे बेवकूफ समझता और ये मुझे झूठा आंसर दे रहा है, झूठ बोला, तो आप क्या करेंगे। तो खैर, एनीवे, क्वेश्चन इज दिस कि मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आप कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं है। आपने पीटी क्वालिफाई किया, आपने मेंस क्वालिफाई किया, आप इंटरव्यू तक पहुंचे, आप इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, आप में भी क्षमता और प्रतिभा कूट-कूट कर भरी हुई है। आप इन तथ्यों पे विचार कीजिए, कोई डाउट है तो मुझसे डिस्कस कीजिए, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। इस बार भी हम लोग ये इंटरव्यू दे रहे हैं बिहार एपीओ का, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। कुछ लोगों को एतराज हो सकता है कि क्यों हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, तो भैया मैं उन लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आप एतराज मत कीजिए, आप भी दीजिए हमारी तरफ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए, आप पार्ट 5 देखिए। ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए उन तमाम इंटरव्यू स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और ये हर किसी, दिस इज हाउ योर इंटरव्यू बिगिंस, तो करना ही करना है। और अब मान लीजिए 70-80 स्टूडेंट कल को और बढ़ने वाले हैं, अभी तो डेट शीट नहीं आई है, तो 100 स्टूडेंट का बायोडाटा एक दिन में आ जाए तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो जो स्टूडेंट ग्रुप में ऑलरेडी एडमिटेड हैं वो कल ही अपना बायोडाटा बना के एक एक करके हमें भेजें। एक दिन में 1 या 2 स्टूडेंट का इनफॉर्मल पार्ट कराया जाएगा और उससे 1-2 से ठीक हो जाएगा। और इनफॉर्मल पार्ट बहुत कंपलसरी है। यस राज, आर यू रेडी? मुझे ये बताइए कि लॉ आपने ज्वाइन किया, और लॉ ज्वाइन करने के पीछे कोई खास वजह? सर, लॉ में करने के पीछे मेरे ग्रैंडफादर लॉ पढ़ाता उन्होंने, घर में काफी सारी किताबें थी लॉ की, तो पहले थोड़ा बहुत पढ़ते थे तो उससे थोड़ी रुचि आई। फिर 12th के बाद एक लगा कि अच्छा करियर ऑप्शन होगा लॉ एज ए प्रोफेशन चूज करने का, चूज किया मैंने। फिर लॉ पढ़ते पढ़ते फिर कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा लगा और फिर कि नेट भी कर सकते हैं काफी लोगों का, जैसे कि लीगल सिस्टम का पार्ट बनना था, तो इसीलिए मैंने अपने लॉ ग्रेजुएशन के बाद कम्पिटेटिव एग्जाम देने का सोचा। उसकी तैयारी की, फिर मैंने वो एग्जाम दिया, तो अभी मैं। So you got inspiration from your grandfather. उनके पास किस तरह की किताबें थी? किसी किताब का नाम बताइए सर। कॉन्स्टिट्यूशन बाय डी वासु और सर एक आदत कुकिंग द प्रॉपर वर्ड। ओके, उसके बाद फिर जनरल मैनुअल भी थे। और व्हाट इज क्रिमिनल मैनुअल? सर क्रिमिनल मैनुअल कंसिस्ट ऑफ द थ्री बेसिक लॉज फॉर CrPC, Evidence Act and IPC. Will you say it basic laws or three bare acts? Combination of three bare acts. हाँ, तो ये combination of three bare acts. हाँ, इसे कॉपी में साथ में रखिएगी। अगर ये सारे क्वेश्चंस अब ये होंगे कि नहीं होंगे we never know, लेकिन चांसेस स्लिप ऑफ माइंड नहीं होना चाहिए। वो जैसे ही स्लिप ऑफ माइंड होगा and that is known as criminal manner. Criminal manual. It consists of three major acts: one IPC, CrPC, and evidence. डीडी वसु की जो आपने किताब देखी हो कौन सी एडिशन की थी? नियर अराउंड सर आई थिंक इट वाज 8th और 9th एडिशन थी सर, काफी पुरानी। नो ईयर सर, ईयर आई डोंट रिमेंबर। So it was basically short commentaries of the Constitution. It was in one volume, two volume, four volume. DD Vasu का जो Constitution of India, that is basically available into the market in two volume, broad volume. No, and it was short commentaries, basically a short commentary, just of Indian polity and Constitution. That was it. Short commentary means that a student edition book you are talking about. Yes, student edition. वो तो सारे बच्चे जो यूपीएससी वगैरह करते हैं सारे बच्चे रखते हैं। डेट इज स्टूडेंट एडिशन बुक। डीडी वसु की जो मेन किताब है शॉर्टेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो दो वॉल्यूम में आती है। और उसके अलावा डीडी वसु की सीरीज है कॉन्स्टिट्यूशन, 27 वॉल्यूम्स है। तो आप लॉ की किताबें देखिए, उसको इग्नोर। प्रैक्टिस में थे आपके ग्रैंडफादर? ओके, आप कह सकते हैं एंड इट वाज ही हु वांटेड एंड समहाउ आई गॉट सम इंस्पिरेशन फ्रॉम होम टू गो थ्रू लॉ। और ठीक है, आपने एलएलबी कर लिया, एक्सपोजर आपका अच्छा रहा है। आपने ये कंझावला एंड कंपनी के पास किस तरह का लिटिगेशन वर्क है? कंझावला एंड कंपनी currently they are involved in the litigation of various politicians also that they hire them. What do you mean by white collar crime? So white collar crime basically it relates to major chunk of it relates to tax evasion, where the wealthy people they evade tax, they don't pay after taxes, and ultimately they are found. They are used of this, so by SFIO or ED, so by fraud crime basically consists of that. The case of cheating, criminal breach of trust, is this also included into white collar crime? Criminal breach of trust and cheating. So cheating can be considered in white collar crime because basically they are cheated towards the government of India by evading taxes, but criminal breach of trust, I'm not completely sure about it. You see, let me tell you why this is known as white collar crime. Because to cheat someone, at least some mind is required. So this white collar crime is committed by a man who is good at education. So white shirt is normally worn by some intellectual, a man who is well literate, and they have been the popular trend to evade the taxes or to cheat someone or to befool someone. एक मिनट, ये स्टूडेंट आप ज्वाइन कर लीजिए क्लास को जी। चलिए चलिए, अभी क्लास चल रहा है, कल से ज्वाइन कीजिए, दिन में बता देंगे। So white collar crime is committed by someone who is well educated but still committing crime, so therefore it is known as white collar crime. So and what type of work is there with Siddharth Luthra? So I know him personally many times, there has been interactions also. So just for the purposes of interview, I know this Kanjhala, anyway, leave aside. Take it only for the interview purpose. I returned over there for a month only. At that time, the case of NAS Foundation, like Article 377 case was going on. So we were supposed to go to the courts with them and write short notes about it. Also, there was some case regarding white collar crime in district court, Patiala district court. So he was representing someone there also. Okay. And there was this case regarding SFIO, where he was representing the accused who was charged with cheating or sanctioning federal corruption. So. Okay, all right. You also work with Sri Manish Kumar Manish, Standing Counsel Patna High Court. What type of work was there? Sir, it was my first internship. It was my initial second year of the law school. In that, he gave me some case law to read, and he was a standing person for Patna High Court. In the case of Bihar APO Limited, so he used to show me the cases and the tenders that was given by the contractors, and who was defaulted in completing the work as per the scheduled time. That's right. Okay, all right. So that means you have a lot of tactical exposure and all that. Is that true? Not really, sir. I went to the courts during the internship period, and my work was only limited to. इसका आंसर आप नोट कीजिए और वीडियो ऑन करके आप जवाब दीजिएगा। इसका आंसर नोट कीजिए। अगर ऐसा कहा जाए यू हैव लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर एंड ऑल, इस तरह के पजलिंग और साइकोलॉजिकल अगर क्वेश्चंस हो तो द बेस्ट आंसर इज कि सर आई हैव जस्ट स्टार्टेड माय जर्नी इनटू द लीगल फील्ड, आई एम स्टिल अ फ्रेशर, आई हैव स्टिल मैनी थिंग्स टू लर्न। क्या तो शिव जी कैसा रहेगा ये आंसर? क्या चीज आपसे आपने एलिमेंट भी किया है तो आप कभी बताओ तो जैसे PIL के बारे में, तो मुझे आप बता सकते हैं कि PIL किस जस्टिस में आपको ओरिजिनेट किया होता है इंडिया में? PIL जस्टिस से पहला केस कौन था? सर पहला केस जस्टिस का आई कैन नॉट रिकॉल सर। ओके, तो लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब भी आप इंटरव्यूअर को कोई भी चीज बताए ना, उस चीज का डेप्थ नॉलेज भी होता है। जैसे PIL जो है, PIL को हर चीज सारे लाइन से देती है, पहला केस कौन सा हुआ, केस में क्या बना हुआ, ठीक है। अभी तक का जो सबसे जितना भी PIL हुआ है, सबसे बेस्ट PIL आपको कौन सा था आपके लिए? सर ऐसे में तो जीरो कर लिया। Sir, in that case, the concept of absolute liability was established, and which was far better law than strict liability. In absolute liability, we don't have the defense that was given, six defenses that appear to strict liability. And absolute liability, the corporate are liable for any default that they carry and which hurts. So, due to their fault, the large number of people gets affected. In order to compensate the large number of people, the rule of strict liability was incorporated by our Supreme Court. Okay. So, you have to review the but इसके साथ constitutional provision भी आप लोग देख ही रहे हैं। तो जब आप constitutional provision बताते हैं तो ज़्यादा और जैसे PIL की बात करेंगे तो who is considered as pioneer of PIL into India? Sure. Yes, correct. And who started accepting postcard as the PIL? Sir, I know the facts of the case, but I cannot remember the name of the justice. Basically, it was the case where prisoners in prison, they wrote a letter to the Chief Justice India regarding the treatment that they were getting in the prison, and based on that letter, the Honorable Justice of Supreme Court took cognizance, and from that the PIL concept from letter was incorporated. This PIL is also considered, sometimes it is criticized that it is a new type of judicial activism. Do you think that PIL is a new type of judicial activism? No, sir, I don't agree with that point of view, because PIL has been in public interest litigation, and for the interest of the public, if any litigation is filed, and if it is filed before there is no remedy from the legislature, if it is filed as a PIL, then the judiciary helps in getting justice done for these people at a large scale. I suppose PIL should be a new way or a good way in order to benefit the people at large. PIL, there has to be a public spirited person, but nowadays PIL has been turned into popularity tool. Many PILs are being dismissed with heavy cost. On every now and then, even if PIL is maintainable or not, on each and every issue, courts are flooded with the PILs. So, what has been the reason of such a change into that attitude? So the reason for such a change, as we have said, it might be to gain popularity, so that advocates filing PIL is not only advocates, but also persons are also filing PILs. So the main aim of the PIL was to benefit the people who are at large. But if someone is using those PIL for the personal benefit, and court, we have seen that court has taken strict measures regarding that. Okay, all right. इतना नहीं हो जाएंगे, थोड़ा बहुत पूछेंगे, उसके लिए आप उस हिसाब से थोड़ा सा अपने को प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट, ये आप और भी एग्जाम दे रहे होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जुडिशियल सर्विसेज भी दे रहे होंगे, अदर स्टेट्स भी दे रहे हैं। अभी तक किसी और एग्जाम में इंटरव्यू वगैरह कुछ दिया आपने? ऑलराइट, सो आप एपीओ क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? सर, जैसे मैंने पहले बोला था कि आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ क्रिमिनल डिसेबिलिटी सिस्टम। बाहर से देखने में और to be a part of system, there are two distinct views about it. Both are different goals. You wish to be part of criminal justice delivery system. Advocates are also part of criminal justice delivery system. They are more free than APO. Becoming APO, you have only the experience of prosecution. But being advocate, you may have both the experience, either of the prosecution or of the defense. So why APO? APO because first of all, I think it is a job that I can represent the victim, or I can represent the state, because crime is done against the state and it is against the people also. So by representing the state and the people, I can be I can contribute more to the society than representing as an advocate to a client. But secondly, the APO job, it is to be very honest, the job of APO is a, I think it is a secure job which provides stability in life. That's why I also want to join APO, so that by getting involved in the criminal legal system, I also have a stable job, so that instead of worrying about the income or anything, I can focus upon the mission that I want to do. अब बाकी बच्चे लोगों के लिए कुछ हिंदी मीडियम के भी हैं, मतलब मैं थोड़ा मिक्स, ताकि बाकी लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो। ये देखिए, कोई भी स्पेशल रीजन और इंस्पायरिंग रीजन ऐसा नहीं हो सकता। आप बिल्कुल अगर नेचुरल तरीके से बोलेंगे और बिल्कुल सिंपल आंसर बोलेंगे तो दैट इज मोर इम्प्रेसिबल एंड दैट वुड बी मोर हेल्पफुल। आपका सीधा सा आंसर कि सर आई नीड ए गवर्नमेंट जॉब, आई एम ट्राइंग माई लक, तो APO जॉब इज ऑल्सो गुड, सैलरी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द जुडिशियल ऑफिसर। अगर इसका APO का अगर आप ये कहेंगे कि प्रोसिक्यूट, तो अब देखिए चॉइस तो हर किसी का पहला चॉइस है जुडिशियल ऑफिसर का। APO का चॉइस अगर जुडिशरी नहीं मिला तो APO का चॉइस, और वहां पर आप APO को ग्लोरीफाई करेंगे तो शायद उनको हजम नहीं हो पाएगा, शायद। आई मे बी रॉन्ग, बट दिस इज व्हाट गो विद द सिंपल आंसर कि मैं फ्रेशर हूँ, आई नीड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, देयरफॉर आई वांट ए जॉब। अगर वो कहें कि एडवोकेसी में भी बहुत पैसा है तो आप मुस्कुरा के कहें कि सर पैसा तो एडवोकेसी में बहुत है, लेकिन बहुत कम लोगों को वो पैसा मिल पाता। एडवोकेसी में पैसे कितने वकील कमाते हैं, परसेंटेज कितना है उनका? आप कह सकते हैं कि एडवोकेट सर, स्माइलिंग फेस करते हुए, कि सर एडवोकेसी में पैसा तो है लेकिन वो नसीब बहुत कम लोगों को बड़ी मुश्किल से मिलता है। अगर आम एडवोकेट्स की बात करें तो काफी स्ट्रगलिंग है सो फार एज फाइनेंशियल इश्यूज आर कंसर्न। तो आई नीड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और मैं ट्राई कर रहा हूँ, जहाँ भी मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं उस जहाँ भी मैं सेलेक्टेड होता हूँ वहाँ मैं 100% अपना देने का कोशिश कर रहा हूँ। अगला सवाल वो करेंगे कि अगर आप APO बन गए, कल को जुडिशरी में हो जाएगा तो आप APO छोड़ के चले जाएंगे। तो आपका बिल्कुल सीधा और सही जवाब कि सर डेट्स ट्रू, एवरी ह्यूमन बींग ऑलवेज प्रेफर्स बेटर फ्यूचर। अब कल को मैं जुडिशियल ऑफिसर होऊंगा या नहीं होऊंगा, डेट इज टोटली अनसर्टेन, तो मैं कल के बारे में नहीं सोचता। आज जो मुझे जिम्मेवारी अगर दी जाती है कोई, तो मैं उसमें अपना हर समय 100% देने का प्रयास करूँ। अगर आप ये उनको एश्योर कोई भी नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए आप APO हैं, कल को आपने जुडिशरी का दिया और आपका सिलेक्शन हो गया, तो स्वाभाविक है आप छोड़ के जाएंगे, और जो चीजें नेचुरल है उन चीजों के खिलाफ बोलेंगे कि नहीं नहीं हम कसम खाते हैं, एफिडेविट, तो वो सारी बकवास की चीजें नहीं करनी है वहां पर। अगर वो बोले कि आप APO छोड़ के कल को जुडिशरी में चले जाएंगे तो आप सीधा कहिए सर डेट इज ह्यूमन साइकोलॉजी, डेट एवरी ह्यूमन बीइंग wish to prefer a better future. My case may not be different, but that is very uncertain. What will happen tomorrow, nobody knows. Simple सा स्मार्ट आंसर देके खत्म कीजिए उसको। क्या तौसीफ जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आप देखिए वो लोग बहुत मैच्योर पीपल हैं, उनको भी पता है कि ये आप पकी पकाई कहानी सुना रहे हैं उनको इम्प्रेस करने के लिए या सच बोल रहे हैं। इंटरव्यू इज टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी एंड टेस्ट ऑफ योर इंटीग्रिटी। आपकी इंटीग्रिटी क्या है, किस तरह से है, एंड हाउ मच यू आर ऑनेस्ट। और इंटरव्यू के दौरान आप कितने ऑनेस्ट हैं और कितनी सच्ची बातों को कह रहे हैं और कितनी बनावटी बातों को कह रहे हैं। और एक चीज़ मैं बाकी सभी बच्चे लोगों को समझा दूं कि अगर आप एपीओ बन जाते हैं और कल को आप जॉब छोड़ना चाहें तो उसे बीपीएससी को कोई नुकसान नहीं है। आप जॉब छोड़ दीजिए, दूसरी वैकेंसी दूसरे बच्चों को मौका मिलेगी। आप खामखा अपने दिमाग में ये बर्डन ना रखें कि आप एपीओ बन गए जॉब छोड़ दिए तो बीपीएससी को नुकसान होगा। बीपीएससी को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा। अगर बीपीएससी को नुकसान होने को रहता तो वो नोटिफिकेशन में होता कि अगर आप ज्वाइन करेंगे तो इतने साल तक आप नहीं छोड़ेंगे या छोड़ेंगे तो आप इतना हट जाना देंगे। तो ये आपका फ्रीडम है कि आप एपीओ ज्वाइन करके जब चाहे तब छोड़ सकते हैं। और छोड़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसको एरोगेंस से नहीं हमें कहना, हमें इसे कहना है कि सर मनुष्य का स्वभाव ही है, वो अपना हमेशा सुनहरा भविष्य देखता है। लेकिन सर कल को मैं जज बनूंगा या नहीं बनूंगा, ये कहानी ये बहुत अनिश्चित है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। और रही बात एपीओ की, तो पे स्केल में कोई ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। एपीओ का भी अहम रोल है, एपीओ का अहम रोल है कि क्राइम इज प्रॉपर्ली प्रोसिक्यूटेड, क्राइम इज प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड टू द कोर्ट। अनलेस द क्राइम इज प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड टू द कोर्ट, जस्टिस कैन नॉट बी डिलीवर्ड इफेक्टिवली। तो एपीओ की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एपीओ का जॉब प्रोफाइल भी बहुत अच्छा प्रोफाइल है। तो इस तरह के झूठ मूठ के जो है ना आर्टिफिशियल चीजें, बनावटी चीजें, बनावटी होती हैं। आप अगर मन में अगर किसी को है कि हम कहानियां सुनाकर उन्हें बरगला देंगे, अच्छा एक चीज बताइए, कोई ऐसा शख्स होगा कि जो एपीओ के बाद जुडिशरी का मौका मिलेगा तो छोड़ देगा उसको? क्या खुद से सोचिए, बाकी लोग भी बताइए कि क्या कोई ऐसा स्टूडेंट होगा कि जुडिशरी का मौका मिले और ये आप में से कोई भी एक आदमी बताइए कि जो एपीओ है कल को उसको जुडिशरी में सिलेक्शन हो गया तो एपीओ में वो रहेगा या जाएगा जुडिशरी में? जुडिशरी ज्वाइन करेगा। तो जो सिचुएशन से, जो नेचर के विरुद्ध है चीजें, ये कहना उनको कि हम एपीओ नहीं छोड़ेंगे, जुडिशरी नहीं जाएंगे, अगर हम ये जवाब दे रहे हैं तो ये जवाब इंटरव्यू में झूठा दे रहे हैं, सही जवाब दे रहे हैं? बाकी बच्चे लोग बताइए। क्योंकि देखिए आप इंटरव्यू में कभी भी प्रभावी तरीके से नहीं बोल सकते अगर जब तक आप खुद पहले उससे मेंटली सेटिस्फाइड नहीं है। बने बनाए आंसर। यस यस प्रदीप, एक क्वेश्चन मेरा है, जैसे मान लीजिए ट्रम्प निर्देश का भी रिप्लेस दे सकते हैं क्या कि हम एपीओ ज्वाइन करेंगे और हायर के लिए मेरे पास ऑप्शन होगा? उतना बड़ा और उतना एम्बिशन वाला नहीं देना कि हम एपीओ ज्वाइन करेंगे और हायर जुडिशरी में जाएंगे और बहुत आगे चले जाएंगे। बहुत सारी चीजें मन की चीज मन में रखनी होती है, बहुत सारी चीजों कहने पे वो उसका पब्लिक डोमेन में अच्छा इमेज नहीं जाता। वो आपकी पर्सनल चीजें हैं कि आप एपीओ ज्वाइन कर हायर जुडिशरी को जाएं, आप जो मर्जी करें। बड़ी बड़ी बात करना जैसा लगेगा उससे इंटरव्यू दे चुके हैं, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल, तो ये जो है कि कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है कि आप एपीओ में हो गया तो आप एपीओ को छोड़ के जुडिशरी में नहीं, इस तरह का कोई रूल नहीं है। वो आपकी इच्छा है, आप जा सकते हैं। पता ना ये कहाँ से सोशल मीडिया पे हो गया कि आप एपीओ छोड़ने की बात कहेंगे तो फिर आपको लेंगे नहीं। ये सब बकवास की चीजें हैं और पूरे सोशल मीडिया पे अनाप शनाप सारी चीजें बैठी हुई है। आप नोटिफिकेशन को देखिए, आप लॉ के स्टूडेंट हैं। सर कई सिलेक्टेड कैंडिडेट ऐसा बताया, हम लोग कई लोगों से बात हुआ है कि वो बताते हैं कि आप ये शो करिए कि हम इसी के लिए ही बस हैं, इस तरह से आप बताइए बोलते हैं। अब पता नहीं सिलेक्टेड स्टूडेंट हम लोग यहाँ भी होता है, जब तक उनका सिलेक्शन नहीं होता है तब तक उन्हें सारी चीज बताई जाती है और सिलेक्शन होने के बाद वो पता नहीं चांद पे या कहाँ पहुंच जाते हैं और बहुत बड़े ज्ञानी बन जाते हैं। हम लोगों ने उन्हें उंगली पकड़ के सिखाया, चलाया और वहां तक पहुंचाया और 2 सेकंड में सिलेक्शन नहीं। अगर 2 लाइन बोले वो इफेक्टिव बोल नहीं सकते। तो ये देखिए झूठ मूठ की ऐसी चीजें हैं कि आप उनको जताइए। बहुत सारे आपको ऐसे भी स्टूडेंट मिल जाएंगे ऐसे कि सर मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, आश्वस्त करता हूं, मैं अंडरटेकिंग देने को तैयार हूं, मैं बॉन्ड एग्जीक्यूट करने को तैयार हूं, और इंटरव्यू बोर्ड में डांट के उनको चुप करा दिया गया और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे भी बहुत सारे इंस्टांसेज हैं। तो अब कहने एग्जाम्पल है, मतलब उनका मैं नहीं नाम इंटरव्यू था, उनका दिल्ली जुडिशरी में और उनका हरियाणा में इंटरव्यू था। उन्होंने पूरा बताया कि इंटरव्यू मैंने मतलब ये बताया कि मैं हरियाणा में ही करूंगी और बाद में जब इंटरव्यू खत्म हुआ तब उन्होंने बोला कि सर आई ऑलरेडी गॉट सिलेक्टेड इन दिल्ली जुडिशियल एग्जामिनेशन। उसके बाद उन्होंने बताया था कि ये उनका कहना था कि आप ये शो करिए कि हम यही भी काम करने वाले, हम कहीं जाएंगे नहीं। ये सब बकवास की चीजें हैं कि हम यहीं पे काम करने वाले हैं और कहीं नहीं जाएंगे। अब चलिए, बहुत सारे आदमी का अपना अलग अलग पैमाना हो सकता है, लेकिन अगर कानून की बात करें और लॉ की बात करें, जो आदमी आपका इंटरव्यू ले रहा या सरकार जो आपको अपॉइंट करे, अगर आप एक आदमी डिजाइन कर देते हैं तो उसे सरकार की सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा या नुकसान होगा, या सरकार आपको सेलेक्ट करती है और आपको ट्रेनिंग देती है तो सरकार का उसमें कोई खर्चा हो रहा, बताइए। खर्च होती है सर, खर्च होती है। वो आपको एक सवाल और है, जैसे बिहार का जो ट्रेंड है यहाँ पे तो 10-10 साल को तो वैकेंसी क्लियर ही नहीं होता है, तो उनको तो नुकसान हो ही जाएगा उस ट्रेंड में लेंगे, क्योंकि कोर्ट में तो उनको लोग चाहिए काम करने को। देखिए कोर्ट में यहाँ पे पोस्टें वैकेंसी ना निकाले वो बातें अलग है। अगर उन चीजों में आप कंफर्टेबल है कि सर हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, तो आप वैसा जवाब दीजिए। अगर आपको हमारी बात माननी है तो आप कानून के हिसाब से चलिए। सर आपकी बात माननी है, हम बस मतलब वो क्रॉस मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये सब बकवास की चीजें हैं। आप उसका रीजनेबल आंसर दीजिए, रीजनेबल और लॉजिकल आंसर दीजिए। वो कहें कि आप छोड़ के चले जाएंगे या नहीं जाएंगे तो आप बोलिए कि सर मनुष्य का स्वभाव है हमेशा अपना बेहतर भविष्य देखता है। अगर इस तरह के सवाल में अगर आप कहते हैं कि मनुष्य सर ये अमूमन नॉर्मली हर मनुष्य अपना बेहतर भविष्य देखता है, इसमें क्या बुराई है? इस आंसर में कौन नहीं अपना बेहतर भविष्य देखता? ये बात कहीं से भी लॉजिकल तरीके से गलत है, किसी भी तरीके से। नहीं सर, एक सवाल ये देखिए प्रदीप, लेट मी फिनिश इट। इस पे आप विचार कीजिए। ये सारी चीजें वीडियो रिकॉर्ड हो रही हैं, वीडियो को सुनिएगा, सोचिएगा, विचार कीजिएगा। इस आपको क्या देखिए ये हर कोई, ये उनको क्या नहीं पता है कि आपका हो जाएगा तो आप छोड़ के चले जाएंगे। प्रदीप, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या इंटरव्यू बोर्ड को पता है कि नहीं कि आपका अगर हो गया तो फिर आप छोड़ के जाएंगे ही जाएंगे, हर कोई जाएगा, ये बात उनको पता है ना? जी सर। और जब उनको पता है उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि नहीं छोड़ के जाएंगे, तो ये बात झूठ आप उनको कह रहे हैं या सच कह रहे हैं? झूठ ही बोल रहे हैं। उनको इस बात का एहसास होगा कि नहीं कि जो आप गारंटी दे रहे हैं सारा कुछ झूठा है, बकवास है? जी सर। तो ऐसे क्वेश्चंस सिर्फ इसलिए होते कि आप जवाब ऑनेस्टली दे रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। आपसे कोई सवाल पूछा जाता है, उस सवाल का जवाब आपने ऑनेस्टली दिया या झूठा दिया, इससे पर्सनालिटी आपकी तय होगी नहीं होगी? जी सर। तो मैं इसीलिए ऐसे सवालों का, इसीलिए मैं एक रीजनेबल आंसर ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर ऐसी नौबत आए तो आप बोलिए कि सर हर मनुष्य अपना बेहतर भविष्य देखता है, कल को जुडिशरी में सिलेक्शन होने पर अगर बेहतर फ्यूचर के लिए चांसेस बनते हैं, कल को मेरा जुडिशरी में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा डेट इज वेरी अनसर्टेन। अगर वो बोले कि मान लीजिए हो गया कल को आपका सिलेक्शन, तो आप कहें सर वो कल की बातें कुछ और होती हैं, कल को क्या पता मेरा मूड बदल जाए या ना जाए, कल की बातों का अब कल क्या होगा, क्या ऐसा चांस है कि नहीं कि एपीओ की जिम्मेवारी निभाते निभाते किताबों से वास्ता टूट जाए और आप पढ़ ना सकें? यह भी तो है ना। आप ये भी कह सकते हैं कि सर मैं कल की बजाय वर्तमान पे ज्यादा फोकस करना पसंद करता हूं। आपको ये आश्वासन देना कि मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, तो ये आप सरासर इंटरव्यू बोर्ड के सामने झूठ बोल रहे हैं। और जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट बता रहे हैं ऐसा वैसा, तो अभी भी वो बच्चे हैं, उतनी मैच्योरिटी नहीं है उनमें। बाकी आप सभी लोग कैंडिडेट हैं, आपको जो भी आंसर, अगर आपको लगता है कि नहीं वहां कसम खाइए, एकदम कन्विंस कीजिए कि नहीं छोड़ के जाएंगे, यहीं रहेंगे, तो आप उस तरीके से जवाब दीजिए। अगर आपको मेरी बात सुननी है तो आप सीधा बोलिए, छोड़ने ना छोड़ने की बात मत कीजिए, आप सीधा बोलिए कि सर कल का दौर अनिश्चितताओं का, कल क्या होगा किसी को नहीं पता, कल की बात कल देखी जाएगी, सर मैं आज इस स्थिति में नहीं हूं इस बात का जवाब देने में। आप स्मार्ट आंसर देके निकल लिया। खैर एनीवे, अब देखिए ओपिनियन वेरी कर सकता है। हमारे भी स्टूडेंट 3-4 जगह इंटरव्यू दिया और यही आश्वासन दिया, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद कि आप तो यहाँ से हो, आपके अपने होम स्टेट में हो जाएगा तो आप तो अपने होम स्टेट चले जाओगे। उसने कहा कि सर मैं होम स्टेट को पसंद उतना नहीं है, क्यों? तो वहाँ ऐसे है वैसे है, तो फिर अब तक तो वहीं हो। तो अगर ये माइंड में है कि झूठ बोलकर हम वहां से सकुशल वापिस निकल जाएंगे, तो जो बोर्ड आपका इंटरव्यू ले रही है आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई अगर आपका झूठा आंसर है तो उससे वहां आपको कोई फायदा, नुकसान ही नुकसान है झूठे आंसर से। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप इंटरव्यू फेस करें तो आप सच्चाई के साथ फेस करें, ट्रूथफुल होते हुए फेस करें। मेरे हिसाब से तो ये सही है, बाकी आप लोगों को जैसा ठीक लगे वैसा आप कर सकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें वैसे जवाब देना चाहिए तो वैसे दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मेरी बात माननी है तो मैं सिर्फ आपको यही कहूंगा कि इसका स्मार्ट आंसर दीजिए। क्या उनको नहीं पता है कि आपका सिलेक्शन होने के बाद आप नहीं टिकेंगे? ये क्वेश्चन सिर्फ दो कारणों से पूछा जाता कि ऐसे कॉम्प्लिकेशंस में आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपके चेहरे के हाव भाव क्या है और आप कितने घबराते हैं। दिस इज नंबर 1। नंबर 2 कि आप ट्रूथफुल हैं या नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दो कारण है ऐसे क्वेश्चंस पूछने का। अगर इस बात की उन्हें ललक होगी तो बॉन्ड वगैरह नहीं भरवाएंगे आपसे कि आप जॉब नहीं छोड़ेंगे। आपसे बॉन्ड भरवाया जा रहा है कि आप इतने दिनों तक जॉब नहीं छोड़ेंगे। Okay. तो खैर एनीवे मतलब मैं अब ऐसे मोड़ पे, अब देखिए टीचर होने के नाते मेरी ड्यूटी बनती है अपने बच्चों के सारे डाउट का जवाब देने के लिए प्रॉपर तरीके से। आप भी सही बोल रहे हैं, वो 2 मिनट में जज कर लेंगे कि इसका क्या है वो। हाँ, वो सेकंड नहीं लगेगा, उन्हें वो समझ जाएंगे कि आप झूठ मूठ का नौटंकी कर रहे हैं या सच बोल रहे हैं। और जैसे ही उनको लगेगा कि आप नौटंकी कर रहे हैं तो फिर अब आपका क्या होगा वो आप समझ लीजिए। अब आप अगर सच्चाई पे कायम रहेंगे, ऐसे क्वेश्चनों से आपके चेहरे के हाव भाव पे कोई असर नहीं पड़ता, तो वहां पे आपको पॉजिटिव पॉइंट और एज मिलेगा कि अंजाम जो भी हो कम से कम ऑनेस्ट तो है, सच तो बोल रहा है। तो यही सारी चीजें आपकी प्लस पॉइंट होगी। मार्केट में अब जिन लोगों ने भी रूमर फैलाया हुआ है कि नहीं बोलोगे तो ऐसा होगा, जैसे वो सर्टिफिकेट लेके बैठे हुए हैं कि जो क्या बोलेंगे तो हो जाएगा, इसकी गारंटी दे रहे हैं वो बैठ के। खैर एनीवे अब चलिए, अब ये यस, आप में से कोई कुछ कहना चाह रहे थे, हैंड रेज कर रहे थे बार बार, मैं इधर था। किसी को कुछ कहना है तो बोल लीजिए जल्दी, अदरवाइज हम लोग आज का टॉपिक शुरू करेंगे। नो यस तौसीफ जी, मैं ये कह रहा हूँ जैसे सबसे पहला जो सवाल आपसे यही पूछा जाएगा आपका मेन फोकस नहीं होना चाहिए आपको जवाब को मतलब अच्छा बनाने के लिए कि आपका रीजन देना पड़ेगा ना आप क्यों ज्वाइन करते हैं। आप दूसरे एंड में मत जाइए कि वो पूछने लगे अगर जुडिशरी का तो क्या बोलते हैं। सर इसका जवाब मतलब मैं मेरे दिमाग में जो है मैं मतलब उत्तर देना चाहता हूँ। जी जी, क्यों मैं एपीओ बनना चाहता हूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं जैसे कोर्ट में जाता हूँ, क्योंकि मैं कोर्ट में जा रहा हूँ अभी, तो मैं देखता हूँ कि ये सब जो आते हैं लोग जो विक्टिम आते हैं उनको जस्टिस दिलाने में भी एपीओ का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ से भी मुझे इंस्पिरेशन मिलता है कि मैं एपीओ बनूं, ऐसा कर सकता हूँ। प्रदीप, आपसे मेरा अगला सवाल है, एपीओ का काम विक्टिम को इंसाफ दिलाना है, प्रोसिक्यूशन को सजा दिलाना है, तो ये भी तो विक्टिम के लिए। आप पहले चेक कीजिए अपने लैंग्वेज को। एपीओ का काम प्रोसिक्यूशन को सजा दिलाना है, एक्यूज को प्रोसिक्यूशन के रोल में। एपीओ का काम एक्यूज को सजा दिलाना है। एपीओ का क्या काम है? विक्टिम को इंसाफ दिलाना या एक्यूज को सजा दिलाना या दोनों, या दोनों में से कोई नहीं? दोनों बोल सकते। एपीओ का काम विक्टिम को इंसाफ दिलाना और एक्यूज को सजा दिलाना। फिर जज क्या करेगा? अगर ये सारे काम एपीओ करेगा तो जज की जिम्मेवारी नहीं है विक्टिम को इंसाफ देना। जज की एपीओ तो प्रेजेंट करेगा ना सर, एपीओ विक्टिम जस्ट एक बार में एक आदमी बोलिए। अगर एक बार में ज्यादा आदमी बोलेंगे तो फिर दिक्कत होगी, बाकी लोगों को समझने में दिक्कतें होंगी। एपीओ विक्टिम को रिप्रेजेंट करता है स्टेट को, तो सबसे पहले एपीओ विक्टिम को नहीं रिप्रेजेंट करता, एपीओ सिर्फ और सिर्फ स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। मैं कहीं हाई कोर्ट में आर्गुमेंट कर रहा था तो जो सरकारी वकील साहब थे वो कंप्लेनेंट की तरह से बड़े चिल्ला के बोल रहा था, तो मैंने बोला कि योर ऑनर लेट मी फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट मिस्टर प्रोसिक्यूटर इज आइदर रिप्रेजेंटिंग द कंप्लेनेंट और द स्टेट। प्रोसिक्यूटर के लिए स्टेट को रिप्रेजेंट करता है प्रोसिक्यूटर और स्टेट की तरफ से प्रोसिक्यूट करता है। प्रोसिक्यूटर की नजरों में विक्टिम और एक्यूज, एक्यूज कौन है? एक्यूज भी स्टेट का सिटीजन है या नहीं है? जी सर। और विक्टिम भी स्टेट का सिटीजन है। तो एपीओ इज नॉट मेंट फॉर making any favor to the victim or making any disadvantage to the accused। आपसे पूछा एपीओ का काम है to prosecute the cases on behalf of a state। ये इंसाफ दिलाना दिलवाना ये सारी चीजें एकदम कट शॉर्ट कीजिए, वो सारे काम जज का है। जी सर, जी सर। To deliver justice ये जज का काम है। एपीओ और डिफेंस काउंसिल जज को जस्टिस डिलीवरी में मदद करते हैं। एपीओ अपना पक्ष रखता है स्टेट का और डिफेंस काउंसिल एक्यूज का पक्ष रखते हैं। चलिए इस पे एपीओ क्यों बनना चाहते हैं तौसीफ जी जरा कंडक्ट कीजिए इस इंटरव्यू को। मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, बस तुरंत आ रहा हूँ कि एपीओ क्यों बनना चाहते हैं। बच्चे लोगों से पूछिए और सब लोग अपना वीडियो ऑन करके बताएंगे। और ये क्वेश्चन आप मान के चलिए कि कंपल्सरी क्वेश्चन है और मेरा इशारा सिर्फ इतना है, आंसर देने से पहले आप लोग विचार कीजिएगा। इशारा सिर्फ इतना है कि इंटरव्यू में अगर बनावटी चीजें करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप इंटरव्यू में बनावटी बात बोल के निकल जाएंगे। आपके बनावटी बातों को इंटरव्यू बोर्ड सबसे पहले कैच करेगा। तो मैं अपने सारे बच्चों से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि इंटरव्यू में कभी कोई बनावटी बातें नहीं करनी है आपको। और आप एपीओ क्यों बनना चाहते, वजह क्या है, और ये सारे माइंड से जो है ना कि ऐसे तो बताएंगे। तौसीफ जी मैं भी ज्वाइन कर रहा हूँ 2 मिनट में। तौसीफ जी कंटिन्यू कीजिए। आपने बताया विक्टिम के लिए आपको करने की चाहिए, ठीक है। अब सपोज कीजिए इंटरव्यूअर आपसे ये कह रहा है कि जो विक्टिम है वो फॉल्सली आपको केस दिया है केस के ऊपर, ठीक है, वो आपको पता है कि तो गलत फंसाया गया, तो फिर आप क्या जवाब दीजिएगा? सर वो मेरा गलत था सोच, क्योंकि साहब ने भी क्लियर कर दिया वो कि एपीओ का वो रोल नहीं है, एपीओ को न्यूट्रल ही रहना है एक तरह से वो बस। हाँ सही है। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, कभी भी अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछे ना तो जितना पूछे सिर्फ उतना ही स्पेसिफिक आपको जवाब देना। अगर इंटरव्यूअर पूछ रहा है आपसे कि आप एपीओ क्यों चूज किए, तो आप सबसे पहले देखिए एपीओ की कैसे ड्यूटीज होती है, ठीक है। उस ड्यूटीज को ना आप अपने इंटरेस्ट में दिखाइए। आप बताइएगा ना मेरा बहुत ज्यादा इसमें ऐसा कहती है, आपको बहुत अच्छा लगता है, इस तरीके से आपको दोनों को लिंक करना है, इसकी ड्यूटीज को और अपने इंटरेस्ट को, ठीक है। उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना आपको, ये भी नहीं बताना है। बहुत कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो अपना पेशी बनाने के लिए बोल देते हैं कि सर मैं तैयारी कर रहा था और मैंने आपको जो है करना चाहा, मैं झूठ की बात बोल रहा हूँ, आपको वो चीज नहीं पता, अगर पूछेगा डायरेक्टली आपको कि क्या आपने जुडिशरी का आपने एग्जाम दिया, तो आप सच बोलो। अगर वो नहीं पूछ रहा है तो बहुत सारे बच्चे कैंडिडेट ऐसे होते हैं सोचते हैं कि ना ये जो भी मत है इमिग्रेशन अच्छा है, हाँ इंटरव्यू जो है वो इंप्रेस हो जाएगा कि ये बच्चे को इंटरव्यू दिया एग्जाम जुडिशरी का नहीं हुआ, तो ये नहीं काम करना है, ठीक है। और हाँ, और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे कितने कैंडिडेट्स आते हैं जिन्होंने एलएलएम किया हुआ? सर मेरा भी एलएलएम है। आपका भी एलएलएम, और बाकी लोग माइसेल्फ आल्सो मेरा भी है। देखिए एलएलएम आपने हमारे पास ये प्रिंसिपल है सर, मेरा काफी एक मिनट एक्यूरेट लॉ एक एक करके बोले प्रदीप जी आप बताइए। कॉर्पोरेट लॉ सर, कॉर्पोरेट लॉ, ठीक है। और नेशनल यूनिवर्सिटी है वहाँ। ओके ठीक है, अपना माइक और आप बताइए। और पीछे जो कहेंगे कमर्शियल फ्रॉम क्रिमिनोलॉजी यूनिवर्सिटी बोलिए। ओके यूनिवर्सिटी आपका जो है क्रिमिनोलॉजी, ठीक है फाइन। देन और बोलो सर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ फ्रॉम भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे। ओके और कौन है? मेरा जनरल है। अब देखो एलएलएम में क्या होता है आपको रेजिस्ट्रेशन मिलता है ना, ठीक है। तो प्रदीप जी आपका कमर्शियल लॉ किया होगा, ठीक है। तो आप सर कमर्शियल लॉ मेरा पेपर है, लेकिन मेरा डिसर्टेशन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे ही था, क्योंकि पेपर था कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल। ये सर मेरा ये टॉपिक था सोशल जस्टिस था, डिस्क्रिप्टिव रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन करके, तो ठीक है ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपके एलएलएम में प्रेजेंटेशन था ना वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और आपके रिसर्च में क्या आउटकम आया है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बताइएगा आपका एलएलएम क्या हुआ है तो फॉर श्योर पूछेंगे आपको टॉपिक क्या था और टॉपिक आपको पता होगा। इसको क्या आपका मतलब ये नहीं हो सकता है कि नहीं बताया कि हमने एलएलएम नहीं किया? कई लोग बोलते हैं पीएचडी में कई लोग कर सकता है, तो एक बार बिहार जुडिशरी में शायद हुआ था, ऐसा होता है यहाँ पे बार बार में, तो यहाँ पे ये आप क्यों नहीं बताइए? अगर आपका एलएलएम किया है आप इसी बात नहीं बता रहे आपको टॉपिक बनाया आप सोच रहे हैं वहाँ सवाल पूछ रहे हैं, तो बताइए। ये सही बात है, सवाल से बचने के लिए हम लोग बोलते हैं कि ये बात आएगा वो बट आपने फॉर्म जो फिल किया उस पर डिटेल ज्यादा सही लगता है। ओके नहीं डालूंगा। मेरे हिसाब से यह है कि आपको बताना चाहिए मैंने, और दूसरी चीज ये है कि आपका जो डिसर्टेशन जो भी रिसर्च टॉपिक है उस पर आपका अच्छा नॉलेज आउटकम वो ज्यादा उपलब्ध जनरेशन पे आपका क्या मतलब रिसर्च आउटकम या कंक्लूजन क्या था? ये जैसे आप मुझे पूरा एग्जैक्ट टॉपिक बताएं। प्रदीप जी आवाज आ रही है आपको? बट एक बार देखना पड़ेगा मुझे आपको वीडियो चल बताइएगा। दूसरा दूसरे कितने टेक्नोलॉजी पे थे जिनका बताइएगा। यस सर rights, rights of refugee in India, rights of refugee in India. Okay. इसका नाम तो था लोकल के बारे में लेकर किया। अच्छा आपने इंटरनेशनल क्या वर्ड पर किया? आप भी बताइए जो रेफ्यूजी आपको इंडिया में क्या तो देखना होगा बहुत। ये देखिए अब मैं बता रहा हूँ, आप देखिए सबसे मेजर मिस्टेक आपको क्या है, आपने प्रेजेंटेशन रिफ्यूजल लॉ पर बनाया और आपको यही पता है उसके ऊपर लॉ, इसमें तो देखने की जरूरत नहीं है ना। और आपको पता उससे इंडिया जो है वो सिग्नेटरी नहीं है रिफ्यूजल करने का, इंडिया में कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है रिगार्डिंग रिफ्यूजल, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ नहीं बता पा रहे, आपने प्रेजेंटेशन करवाया और मैंने बहुत बेसिक तौर पर आपको देखना पड़ेगा इसलिए कि आपने प्रेजेंटेशन पर काम सही नहीं किया। अगर आपको पता होता डायरेक्ट बोलते कि सर हमारे यहाँ और जो कन्वेंशन इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ रिफ्यूजी इंडिया जो है वो उत्तर मिलेगा। My topic was justice delivery system in armed forces. Justice delivery system in armed forces. Okay. तो कैसे वहाँ पर डिफरेंस है नॉर्मल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में और आर्म फोर्सेस में मेजर डिफरेंस है? There is another hierarchy of the justice delivery system, so like court of inquiry, and then district court martial, general court martial, summary general court martial. These are conducted, and they are given a huge power, like death, even the death penalty they can give. Okay. So suppose आपको एक आर्मी ऑफिसर है तो, और वो नॉर्मली आपको अपने ज्यूरिडिक्शन में है, मतलब हमारे मुफ्ती में वो आएगा, उसमें किसी को गोली मार, ओके, तो वो प्रोसिक्यूट कहाँ पे होगा? सर वो नॉर्मल कोर्ट में, नॉर्मल कोर्ट में होगा। Is there any provision written in army law or something somewhere else? Yes, sir. The army act 1950 है, but exact में section मुझे अभी recall नहीं कर रहा। इसमें लिखा हुआ है कि ऑन ड्यूटी अगर उससे टाइम होता है तो दैट विल बी गवर्न बाय कोर्ट मार्शल, अदरवाइज द नॉर्मल पर। देखो मैं जितने भी लोग यहाँ पे किए हैं वो मैं तो कहूँगा आप उत्तर बता दूँगा, मैं ये कहूँगा आप इसको हाइड मत कीजिए, आप इसको बताइए और अपने डेलीब्रेशन को अच्छे से आपने क्या काम किया। तो मेरा ये भी कहना है कि आप अपने डेलीब्रेशन पर थोड़ा टाइम, बहुत डीपली उसको नहीं पढ़ना, ठीक है? आपका जो मेजर चीज़ है वो देखनी है, और मतलब एक तरीके से कोई बेसिक सवाल उससे पूछे तो आपको पता हो, बस इतना करते जाए। और इतना हाइप करने की जरूरत है, अगर आपने एनएलएम किया है तो आप हाइप नहीं करते, तो आपकी अच्छी चीज़ है ना, आपने एनएलएम किया है। एनएलएम चीज की बहुत सारी सवाल पूछी जाती है, तो ज़्यादा मैं यहाँ पे कुछ मैं भी सजेस्ट करना चाहूँगा। देखिए हर तरफ कन्फ्यूजन का माहौल है, और जो कैंडिडेट हैं उनकी स्थिति तो इतने अभी फिलहाल जो दौर है ये, अब जैसे हमने आपको कहा कि ट्रूथफुल हो, ये कोई दूसरा कहेगा कि अरे पूछ दोगे तो गए, तुम्हारा तो होगा ही नहीं। तो ये जो माहौल बना हुआ है कन्फ्यूजन का, और इस कन्फ्यूजन के माहौल में स्टूडेंट को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मैं आपको सिर्फ 2-4 सवाल आपसे पूछता हूँ। आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं, आप एपीओ का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एक रेस्पॉन्सिबल पोस्ट का, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यह आप अपने विवेक से खुद भी तय कर सकते हैं। पहली बात कि अगर इंटरव्यू बोर्ड में कुछ झूठ आप बोलेंगे तो हमेशा आप भयभीत रहेंगे, आपका जो नेचुरल कॉन्फिडेंस है वो आ नहीं पाएगा। आप सही बात भी बोलेंगे तो लगेगा कि आप बनावटी बोल रहे हैं, आपको अंदर से कुछ ना कुछ इस तरह का भय रहेगा वहां पर कि कहीं पकड़े गए तो क्या होगा। तो इसलिए दिस इज नंबर 1। नंबर 2, इंटरव्यू में ये बहुत ही अहम रहता है कि आप किसी सवाल का जवाब सच दे रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। आप खुद तय कीजिए कि जो कैंडिडेट इंटरव्यू के दौरान झूठ बोल रहा वो सर्विस में क्या करेगा। तो आपको हर हालत में इन चीजों से बचना है, आपको कोशिश करना है ट्रूथफुल होने का। रहा बात की एलएलएम आपने मेंशन नहीं किया है, तो अब चूंकि एक गलती हो गई, तो अब एक गलती को बचाने के लिए दूसरे आपने मेंशन नहीं किया। अगर आप कहें कि सर मैंने एलएलएम किया गलती से रह गया, तो और भी पेनफुल है। तो आपने एलएलएम नहीं किया है तो उसके बाद क्या करते रहे, तो सर अपना लकी अपनाता रहा, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते रहा। तो अब मान लीजिए कि एक झूठ को छुपाने के लिए कई और फिर पूछेंगे कि इतने दिनों तक आपने, मान लीजिए कि 2014 के आप पास आउट हैं, आप 2018 के पास आउट हैं, आपने एलएलएम नहीं किया, तो स्वाभाविक है। देखिए आप लोग एविडेंस एक्ट पढ़ते होंगे, क्या पर्पस क्या है क्रॉस एग्जामिनेशन का? क्रॉस एग्जामिनेशन किस लिए, सच को लाने के लिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है? बिल्कुल, आपको वो लोग क्रॉस एग्जामिन कैसा कर देंगे, क्वेश्चन पूछ पूछ के। आप इस बात को समझते हैं कि आपका किस तरह का क्रॉस एग्जामिनेशन और काउंटर क्वेश्चन वहां हो जाएगा अगर आप झूठ बोलते हुए पकड़े गए वहां पे तो। और अगर वही बात उनको कोई झूठी लग जाती है तो आप ये भी सुनते होंगे कि किसी का इंटरव्यू बहुत बुरा हुआ, दे दनादन बहुत सारे सवाल हुए। तो देखिए अगर आपकी जगह मैं भी स्टूडेंट होता तो मैं भी भयभीत होता इस अनिश्चितताओं के दौर में कि कोई कहेगा कि ये मत बताओ, कोई कहेगा ये बताओ, कोई कहेगा कि एपीओ का स्पेशल रीजन लेके जाओ, तुम्हारे पास तो सिलेक्शन नहीं होगा अगर कोई स्पेशल रीजन नहीं है, स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है तो मैं आपसे ये जो 2-3 सवाल किए, इन 2-3 सवालों पे आप खुद विचार कीजिए। ये क्लास रिकॉर्डेड हो रही है, इस रिकॉर्डिंग को सुनिएगा। इन 2-3 सवालों पे बीच आज का तो सारा इंटरव्यू का समय इनफॉर्मल क्वेश्चन में चला गया, फॉर्मल क्वेश्चन का लिस्ट लेके बैठे हुए, फॉर्मल क्वेश्चन अभी आ नहीं पाया। तो इन पे 2-3 दिन आप खुद विचार कीजिए, अभी टाइम है हम लोगों के पास, फिर हम लोग ये चर्चा करेंगे। और इनफॉर्मल पार्ट आपका तभी लिया जाएगा जब आपका बायोडाटा आता है। बायोडाटा होगा, आप जैसे यशराज का बायोडाटा था, कल किसी और का बायोडाटा था, तो उस पे काम हुआ अच्छे तरीके से। तो आपका इनफॉर्मल पार्ट तभी होगा स्पेशली जब आपका बायोडाटा सामने होगा। तब तक यस यस प्लीज अर्जुन बोलिए। हम लोग आप एपीओ क्यों बनना चाहते हैं, एपीओ बनने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और एपीओ किस तरह से बेहतर है, वो सारी चीजों की जानकारी देंगे टाइम टू टाइम। अभी चूंकि डेट शीट आपका नहीं है, अभी इंटरव्यू नहीं, अभी मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद इस पे विचार करें। अब मैं, हमारी अप्रोच ये है कि अगर किसी चीज से आप दिमागी तौर पर संतुष्ट नहीं हैं, अगर दिमागी तौर पे सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस चीज को बेहतर तरीके से आप इंटरव्यू में नहीं बोल सकते। सबसे पहले आपका सेटिस्फैक्शन जरूरी है कि आप दिमागी तौर से कितना सेटिस्फाइड हैं। तो इसीलिए इन चीजों पे ब्रेक लगाते हुए इनको अभी फिलहाल स्थगित किया जा रहा। आप 2-3 दिन जो चीज हमने कही आपसे, उस पे आप खुद विचार कीजिए। आप औरों की बिल्कुल मत सुनिए, आप खुद सोचिए और खुद तय कीजिए कि वहां पे पहली बात, अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं और आपको लग रहा है कि कैंडिडेट इंटरव्यू में सही नहीं बता रहा, तो इंटरव्यू में आपके ये तेवर हैं, फाइनल सिलेक्शन के बाद आपके तेवर कैसे होंगे, तो ये भी सोचिएगा। अगर वो आपके झूठ को, अगर उनको कोई डाउट हो गया और फिर उस पे वो आपसे सवाल पूछना है, क्रॉस एग्जामिनेशन एक ऐसा हथियार है कि गड़े हुए मुर्दे भी रोने लगते हैं उससे। आर्ट है, वो जब थोड़ा समय गुजरेगा तो अगर सही मायने में लीगल प्रोफेशन में कोई काम है तो वो है क्रॉस एग्जामिनेशन। आपके घरों में बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा हम लोगों को बता दीजिए, कैरियर ऑप्शन पे अगर सवाल आता है तो क्या जवाब देंगे हम लोग? क्या चीज पे? जैसे आप पूछा जाए कि आपने एलएलएम किया तो आप कहीं पढ़ा क्यों नहीं रहे, आपने पीएचडी क्यों नहीं किया, ये सब अगर सवाल आएंगे तो इसका क्या जवाब होगा? इसके बहुत शानदार जवाब है, बहुत ही शानदार जवाब है, इतने शानदार जवाब है कि आप पढ़ा क्यों नहीं रहे। आप क्या ये नहीं कह सकते कि सर एकेडमिक्स में वन वे ऑफ लर्निंग द लॉ और एपीओ में आप अपना पक्ष भी रखेंगे, प्रोसिक्यूशन का डिफेंस का भी पक्ष रखेंगे, दोनों बोथ साइड यू शैल हैव अपॉर्चुनिटी टू लर्न द लॉ फ्रॉम बोथ द एंगल। एकेडमिक्स में ये चांस नहीं मिलेगा। लॉ की संपूर्ण जानकारी जब तक इसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर ना हो तब तक नहीं हो सकता। सर मैं इसके प्रैक्टिकल एक्सपोजर में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, शुरू से ही मेरी इच्छा रही थी कि किसी जॉब में आइदर एपीओ और जुडिशरी, मुझे जुडिशरी में मैं अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो सका, मैं इसलिए एपीओ भी अगर हो जाए मेरे पास तो मेरे लिए मैक्सिमम होगा, मैं एपीओ में ही अपना 100% देने का कोशिश करूँगा। हमारे एक किसी स्टूडेंट से यूपीएससी में पूछा गया कि आप लॉ बैकग्राउंड के आप क्यों बनना चाहते हैं, हमारा ही जवाब था बताया हुआ उनको कि सर एक एडमिनिस्ट्रेटर अगर लॉ को जानता है तो एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता। क्या ये जवाब सही नहीं है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर को लॉ सबसे पहले जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए? जी सर, हमसे भी एसएसबी में सवाल पूछा गया डू आई वांट टू जॉइन इंडियन आर्मी, तो फिर मैंने यही सब उल्टा-पुल्टा बोल दिया था सर, उसका प्रभाव। आप देखिए हम लोगों के पास बहुत शानदार, बहुत अच्छे जवाब और लॉजिकली करेक्ट जवाब। अरे भैया हम पास आउट हुए हैं, नौकरी की पोजीशन है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए हमको जॉब चाहिए, हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अगर मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए तो मैं कोई जुर्म किसको नहीं चाहिए। ये जो जज साहब बैठे हुए हैं इनको अपने बच्चों के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? इन्हें अपने बच्चों का फ्यूचर, अगर मैं कहता हूं कि मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, क्या ये मेरा आंसर किसी भी तरीके से गलत है? तो आप में से कोई भी आदमी बताइए। मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए और इसलिए मुझे जॉब की जरूरत है और गवर्नमेंट जॉब की जरूरत है। सर गलत नहीं है, लेकिन वो लोग सवाल पूछते हैं ना, कई लोग बोलते हैं कि उनको लगेगा कि तुमको पैसा ही चाहिए बस। अरे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पैसा ही चाहिए, क्या गलत इसमें? मेरा ये है कि अगर आप क्या कहेंगे कि आप मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं चाहिए? चाहिए सर, मैं पूछ रहा हूँ सवाल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जवाब दूंगा, मैं बस पूछ रहा हूं कि मेरे दिमाग में जो सवाल है क्लियर करता हूं। नहीं नहीं, वो देखिए हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, आपके मेंटर होने के नाते मेरा ये दायित्व तो है, मेरी जिम्मेवारी है कि सबसे पहले सबसे पहले हमारा जो जवाब है उस जवाब से हम खुद कितना सेटिस्फाइड है, ये सबसे अहम है। मान लीजिए कि हम अपने जवाब से खुद संतुष्ट नहीं है और जबरदस्ती का जवाब दे रहे हैं तो कभी भी हमारा प्रेजेंटेशन बेहतर नहीं हो पाएगा। सवाल सिर्फ इतना है कि अगर उनको, अब मुझे कभी कभी बड़ा अफसोस होता है, ये जो आइंस्टीन जो लोग बनते हैं ना और खुद को आइंस्टीन की औलाद समझते हैं, अगर सच मानिए तो पूरे माहौल को खराब करने के सिर्फ और सिर्फ वही लोग जिम्मेवार हैं। आज देखिए कितना कंफ्यूजन का आलम है, कि एक बच्चा बेचारा क्या करे, किसकी बात सुना। आप कैंडिडेट के मन में जिस तरह के सवाल उठ रहे होंगे, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि देखिए अभी हम लोगों के पास बहुत समय है, आप कुछ पॉइंट जो आपको बताया जा रहे हैं उन पे खुद आप विचार कीजिए, पहले खुद सोचिए। आज बहुत कुछ क्लियर भी हुआ है, बाकी लोगों को भी हुआ होगा, मेरा भी बहुत डाउट आज क्लियर हुआ है सर। हमको अब जाना ईमानदारी से ही जाना है, ये बात तो समझ में आ गया। देखिए हमारी सच्चाई क्या है, हम सबों की सच्चाई है कि हमें नौकरी चाहिए, ये सच है या झूठ है। हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि मुझे नौकरी चाहिए। कौन ऐसा आदमी है जिसको नौकरी नहीं चाहिए? कोई अगर ये मुझे एक सरकारी नौकरी चाहिए, जिसको नहीं चाहिए वो कंपटीशन में ही नहीं है, वो कुछ और कर रहा है। तो मुझे सर लॉ ग्रेजुएट होने के नाते जो जो कंपटीशन में दे सकता हूं, मैं अपना भविष्य सब में ट्राई कर रहा हूं। मुझे जहां भी कामयाबी मिलती है वहां मैं खुश हूं। अब सच इसकी जो फिल्मी कहानी जो हम लोग बनाते हैं ना, वो फिल्मी कहानी चल गई तो ठीक है, लेकिन अगर वो फिल्मी कहानी अगर कहीं पकड़ी गई तो पूरी की पूरी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी और उसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। तो अगर आप एकेडमिक्स में हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आप बोलिए कि सर वहां पे टेम्पररी पढ़ा रहे हैं, गारंटी नहीं है कुछ, आई नीड ए गारंटीड जॉब, आज है कल नहीं हो सकता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है वहां पर। आप ये भी उनको कह सकते हैं कि सर लॉ की किताबें से बेहतर है लॉ के प्रैक्टिकल अप्रोच को एक्सप्लोर, अगर वो प्रैक्टिकल वाले लोग बैठे हुए हैं जो आपका इंटरव्यू लेगा, प्रैक्टिकल एक्सपोजर से हैं वो लोग या नहीं है, उसी के महारथी है ना। जो बोर्ड में लोग होंगे जो आपसे सवाल पूछेंगे, उनका लाइफ ही है प्रैक्टिकल एक्सपोजर का। अगर उनको आप कह रहे हैं कि सर लॉ सीखने का, लॉ अगर अच्छे तरीके से सीखना है तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर जरूरी है, ये बात उनको अच्छी लगेगी बुरी लगेगी कि आप एकेडमिक्स को छोड़कर आप एपीओ और जुडिशरी में आ रहे हैं। अच्छा नहीं लगता। देखिए एक चीज और भी है, पिछले क्लास में मैंने कहा भी था कि यस मनीष कुछ ऐड करना चाह रहे हैं सर। एकेडमिक्स में अगर कोई ऑलरेडी है तो वो ये बोल सकता है कि वहाँ पर एक प्रोफेसर भी रहती है जी, तो बोले नहीं कि एकेडमिक्स खराब है या वो ये बोल सकते हैं एकेडमिक्स में वाले लोग कि एकेडमिक्स में अभी लिया नहीं ना एकेडमिक्स, बट दैट इज नॉट अ परमानेंट स्टेटमेंट, क्योंकि इफ समबडी इज इन प्राइवेट कॉलेज दैट इज नॉट परमानेंट स्टेटमेंट एंड स्टिल वी आर लुकिंग फॉर अ परमानेंट सेटलमेंट बीइंग ए एपीओ वर्किंग फॉर दिस स्टेट एज अ प्रोसिक्यूशन ऑफिसर will act as a one of the star in my legal career. So, whereby as an assistant professor where I am working right now, it is a private college and there is no future in that job right now. That's why I want to be an APO in the government so that I can have a permanent settlement and I can hold my skill to the next level. Working with the Bihar state, where I am the resident of Bihar, and I know the scenario, the legal concept, legal scenario of Bihar. I think that being a APO in Bihar, I can utilize my legal skill in more prominently. जी मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि इंटरव्यू में आप जितना शॉर्ट आपका आंसर होगा उतना इफेक्टिव होगा। आपको दो चीज़ें कहनी है एकेडमिक में तो सर पहले कि फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं है बिकॉज जॉब इज़ टेम्पररी। प्रेजेंट जॉब जहाँ पे मैं अभी हूँ दिस इज़ टेम्पररी, टुडे आई एम देयर, टुमारो आई मे नॉट बी देयर। तो देर इज नो फ्यूचर स्टेबिलिटी, देर इज नो फ्यूचर सिक्योरिटी, दिस इज नंबर वन। ये कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि एपीओ में ज़्यादा स्टेबिलिटी है, दिस इज नंबर वन। नंबर टू, देर इज अ स्कोप ऑफ लर्निंग द लॉ इनटू एकेडमिक्स वन साइडेड, इनटू एपीओ अ स्कोप ऑफ लर्निंग द लॉ इज बोथ साइडेड, from point of view prosecution, from point of view defense, and also on this basis a judgment comes. So court is a better platform to learn the law practically. अगर आप ये कहते हैं कि कोर्ट इज बेटर प्लेटफॉर्म टू लर्न द लॉ प्रैक्टिकली, तो जो इंटरव्यू बोर्ड आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको ये बात अच्छी लगेगी बुरी लगेगी? साइकोलॉजिकली बताइए, बाकी बच्चे लोग मेरी बातों से आप बिल्कुल सहमत मत होइए। मैं अपने स्टूडेंट्स को पूरी आज़ादी देता हूँ। देखिए आप तब तक सहज नहीं हो सकते जब तक आप पहले सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप में से कोई भी जबरदस्ती सहमत मत होइए। पहले मेरी बातों को सुनिए, विचार कीजिए और अगर उसमें कुछ है तभी सहमत होइए। अगर उनको इंटरव्यू बोर्ड को कहा जाता है कि सर कोर्ट इज ए बेटर प्लेटफॉर्म टू लर्न प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लॉ, पहली बात की क्या ये जवाब लॉजिकली सही है या गलत? लॉजिकली एंड फैक्चुअली बोथ। बाकी बच्चे लोग बताइए, मतलब फैक्चुअली और लीगली ये बात सही है गलत कि कोर्ट इज द बेटर प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द लॉ? कंप्लीटली एग्री सर। ये पहली चीज। वो भी कोर्ट के जस्टिस हैं, उनको ये बात अच्छा लगेगा कि नहीं कि कोर्ट इज बेटर प्लेटफॉर्म साइकोलॉजिकली एंड मेंटली। अब ये भी देखिए इसका साइकोलॉजिकल, एक कोर्ट के आदमी को जस्टिस हैं उनको अच्छा लगेगा या ये बात ये जवाब उनको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल अच्छा लगेगा। तो दिस इज द स्मार्ट आंसर एंड दिस इज हाउ यू नीड टू फेस द इंटरव्यू। आप उनको अगर ऐसे कहानी वहानी से बरगलाने का कोशिश करेंगे और अगर पकड़े गए तो यही होगा कि देखो कितना कैसा आदमी है, अभी तो सिलेक्शन हुआ नहीं तो इस तरह का है, पता ना किस तरह बिहेव करेगा सिलेक्शन के बाद। तो पॉइंट इज दिस, अभी आज हम लोग किसी देखिए सीएलसी के पास, मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं, नेक्स्ट जनरेशन का आंसर है, इशारे इशारे में बस इतना ही समझ लीजिए। हमें अपने बच्चों का मेंटल सेटिस्फैक्शन चाहिए। आप हमारी बात से डिसएग्री करते हैं, आप डिसएग्री होइए, हमें थोड़ा भी बुरा नहीं लगेगा। हम आपसे, टीचर को कहा जाता है फ्रेंड फिलोसोफर गाइड, तो एक फ्रेंड के नाते, एक फिलोसोफर के नाते, एक गाइड के नाते, और बच्चे बच्चे हम बोलते तो आप हमें अपना फैमिली मेंबर समझ के अपना सब कुछ शेयर कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मुझे जो आपसे चाहिए कि आप पहले अपना कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए। आपका कॉन्फिडेंस झूठी बातों से जीवन में कभी नहीं बनेगा। जो तथ्य आपके सामने पहले उन पे विचार कीजिए। हम आपको पूरी आजादी देते हैं, आप हमारी बात बिल्कुल मत माने, सिर्फ आप उन तथ्यों पे विचार कीजिए और अपने हिसाब से फैसला लीजिए, हम आपके हर फैसले का समर्थन करते हैं। मतलब अगर आपके मन में डाउट हो और उस डाउट को मैं क्लियर ना कर पाऊं तो फिर मुझे टीचर कहलाने का कोई हक नहीं। आप अपने डाउट्स जरूर मुझसे शेयर करें, ये मेरी ड्यूटी और ये मेरी जिम्मेवारी है। और मैं रिकॉर्डिंग पे ये वीडियो जाएगा यूट्यूब पे भी, तमाम लोग देखेंगे इसको, और मैं बिल्कुल एक बार नहीं 1000 बार कह रहा हूं कि अगर मैं आपके डाउट को क्लियर नहीं कर पाया तो आई एम फेलिंग इन टू माई ड्यूटी वेरी सीरियसली। मुझे आपका एग्रीमेंट नहीं चाहिए, मुझे आपका कंसेंसस नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूं एंड यू नीड टू टेक ए डिसीजन। जो पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं उन पे आप विचार कीजिए, सिर्फ आप विचार कीजिए, विचार करके किसी नतीजे पे पहुंचिए, फिर मेरे से डिस्कस कीजिए। क्या ये ठीक रहेगा मनीष? बाकी लोग, प्रदीप, जो जितने लोग हैं, बताइए ये अप्रोच। यस सर, मैंने तो मान लिया, वाली मान लिया, ठीक है। यस सर, आज हम लोग, अब देखिए टाइम निकल गया, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग जो फॉर्मल पार्ट के हैं। चलिए, एक कन्फेशन का था, रह गया था, इंडियन लॉ ऑफ कन्फेशन एंड इंग्लिश लॉ ऑफ कन्फेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये सवाल थोड़ा टेढ़ा है, आप में से कोई इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर बताएं। जो भी बताएंगे अपना वीडियो ऑन करके बताएंगे कि इंग्लिश लॉ ऑफ कन्फेशन एंड इंडियन लॉ ऑफ कन्फेशन दोनों में क्या अंतर है। तो अंग्रेजी विधि में कन्फेशन तौर पर क्रिमिनल में होता है और क्रिमिनल में वही हत्या और अपराधिक मानव में होता है, जबकि भारतीय विधि में कन्फेशन सिविल और क्रिमिनल दोनों में, इसलिए यह कहा जाता है कि अंग्रेजी विधि से व्यापक भारतीय। ये टोटली रॉन्ग आंसर है, हम इसका आंसर बताएंगे। कोई और आदमी? इंडियन लॉ जी सर, इंडियन लॉ कन्फेशन बिफोर पुलिस इज नो कन्फेशन एट ऑल, बट कन्फेशन बिफोर पुलिस इन इंग्लिश लॉ, कन्फेशन बिफोर पुलिस में भी रिगार्डेड एज ए वैलिड कन्फेशन इफ इट इज ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी और वॉलंटरी, वॉलंटरी एंड ट्रस्टवर्दी। You missed one word, voluntary, and this is absolutely correct answer, perfect answer, absolutely correct. This is the only difference between Indian law and English law of confession. Indian law में अगर एक्यूज है और पुलिस है और कन्फेशन, सारी कहानी खत्म। क्या कहता है सेक्शन 25? क्या लैंग्वेज क्या है सेक्शन? आप लोग कल से जब ज्वाइन करेंगे तो जो क्वेश्चंस हैं, तो जैसे आईपीसी और एविडेंस एक्ट के क्वेश्चंस हैं तो बियर एक्ट साथ में रखेंगे। और जैसे तो कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड, इसका मीनिंग क्या हुआ? आप में से कोई भी यस बताइए, वीडियो ऑन करके बोलते जाइए। यस, कंटिन्यू। substitution in front of police officer is relevant but not admissible in court of law. Confession before police officer is relevant but not admissible in court of law. आपने ये कहा कन्फेशन बिफोर पुलिस ऑफिसर इज रेलिवेंट, वेर इट इज सो? देखिए नंबर वन, देखिए डिक्शनरी कहता है कि मिल्क मतलब दूध और वाटर मतलब पानी। हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि भैया वाटर मतलब दूध और मिल्क मतलब पानी। जबरदस्ती का एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। 25 इसलिए कहता है कि कन्फेशन मेड टू ए पुलिस अफसर नॉट टू बी प्रूव्ड बिकॉज हम किसी चीज को प्रूव कर देंगे तो वो चीज एडमिसिबल होगी, और पुलिस ऑफिसर को दिया हुआ कन्फेशन टोटली इनएडमिसिबल है। तो जब ये इनएडमिसिबल है तो इसको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। एक स्पेशल सेक्शन है कि कन्फेशन टू द पुलिस ऑफिसर इज टोटली यूजलेस। तो एक कन्फेशन टू द पुलिस ऑफिसर जब ये टोटली यूजलेस है तो इसमें रेलिवेंसी की बात ही नहीं हो सकती। कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर मे बी रेलिवेंट फॉर द पर्पसेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फॉर अदर पर्पसेज, फॉर द पर्पसेज ऑफ क्राइम डिटेक्शन, लेकिन इसको ब्लाइंड तरीके से कहना कि कन्फेशन बिफोर, देखिए यही सारे दो चार लाइन हम लोगों को, आप सभी लोगों का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, लॉ की जानकारी बहुत अच्छी है और तभी आप लोग मेंस क्लियर करके इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। आप लोग फ्रेशर नहीं है, आप लोगों की अच्छी जानकारी है। तो केवल बोलने के तौर तरीके सिर्फ चेंज करने हैं, और अगर बोलने के तौर तरीके चेंज हो गए और आप लोग लॉजिक के साथ बोलते हैं तो वही आपका बेहतरीन आंसर। बेहतरीन आंसर आसमान से टपक के नहीं आता। हम ही और आप लोग मिलके हम ही लोग बेहतरीन आंसर या खराब आंसर देते हैं। अगर लॉजिक गलत है तो आंसर गलत है और लॉजिक सही है तो आंसर सही है। तो पहला चीज ये करना है कि हम लोगों को तुक्का नहीं मारना है। तुक्का मारने को हवाबाजी कहा जाता, और हवाबाजी जो है इंटरव्यू बोर्ड को कभी पसंद नहीं है। उससे बोर्ड इरिटेट होती है। जो नंबर आपको मिलने चाहिए वो भी नहीं मिलेंगे। ये तो चलिए कन्फेशन का हो गया कि इंग्लिश लॉ एंड पुलिस लॉ। अब आपको ये बता दें कि यस यस प्लीज यस मुंसद, वंस अगेन यू स्पीक डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश लॉ एंड इंडियन लॉ ऑफ कन्फेशन। इन इंडियन लॉ द कन्फेशन बिफोर अ पुलिस कैन नॉट बी प्रूव्ड, and in English law the confession before police is voluntarily made, it is a valid confession and can be proved in court of law. Absolutely correct. हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, हम लोग किताबों में पढ़ते हैं ना, कन्फेशन टू पुलिस इज नो कन्फेशन। कई सारे किताबों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा है अभी कि कन्फेशन टू पुलिस इज नो कन्फेशन। आपके प्रोफेसर्स ने भी पढ़ाया होगा कि कन्फेशन टू पुलिस इज नो कन्फेशन। ऐसा कभी, हाँ, तो कन्फेशन टू पुलिस इज नो कन्फेशन, व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस एंड देयरफॉर इट इज नो कन्फेशन एंड देयरफॉर इट इज नॉट टू बी प्रूव्ड। चलिए हमें ये बताइए कि कॉमन इंटेंशन, पहला क्वेश्चन, कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट, इन दोनों में क्या अंतर है? यस राज, पहले तो ये बताइए कि आज के टॉपिक के लिए आप लोग तैयार हैं या नहीं तैयार हैं? तैयारी करी या नहीं करी है? तैयारी नहीं है सर, तैयारी नहीं है। तो जब तैयारी नहीं है, यस अंजुमन में, तो आप बताइए आप। कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में सबसे पहला डिफरेंस ये है कि कॉमन इंटेंशन जो है वो सेक्शन 34 में डिफाइन किया गया है, और कोई भी कॉमन इंटेंशन के लिए एक से ज्यादा पर्सन होना चाहिए। और कॉमन ऑब्जेक्ट में जो है वो मिनिमम 5% होना चाहिए। कॉमन इंटेंशन में ऑफेंस होने से पहले प्री मीटिंग ऑफ माइंड और एग्रीमेंट होता है मेंबर के बीच में, पर कॉमन ऑब्जेक्ट में प्री मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है। कॉमन इंटेंशन कोई स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं है, जबकि कॉमन ऑब्जेक्ट जो है स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट करता है। तो इतना ही। रूल ऑफ एविडेंस कौन सा? रूल ऑफ एविडेंस जो है वो सेक्शन 34, यानी कि ये कॉमन इंटेंशन जो है वो एक रूल ऑफ एविडेंस रहता है। सेक्शन ऑफेंस नहीं है। सब्सटेंटिव ऑफेंस कौन सा है? 34 या 149? वो ऑफेंस है सर, सब्सटेंटिव ऑफेंस। सब्सटेंटिव ऑफेंस किसे कहते हैं? सब्सटेंटिव ऑफेंस उस पे कहते हैं सर जिसके बेसिस पे को एक्यूज को कन्विक्शन किया जाता है, जिसके बेसिस पे को एक्यूज को कन्विक्शन किया जाता है। सर टाइप गलत हो गया, मैं स्कूल के कंफर्म नहीं हूं सर। आप में से कोई भी स्टूडेंट ये बताएं कि सब्सटेंटिव ऑफेंस किसे कहते हैं? Liability for the offense, which gives the benefit. Wrong. Yes, Raj. हिंदी क्या होगा सर? Yes, Suresh, बताइए आप हिंदी में बताइए। हिंदी में क्या होगा सर? फिर से उसको बोलिए, हिंदी में सब बोलिए। Substantive offense का हिंदी मुझे भी नहीं आता। हिंदी मीडियम वाले लोग भाई मेरी मदद कीजिए, बताइए substantive offense का हिंदी क्या होगा? सर लायबिलिटी की बात कर रहा है ये सिंगल नहीं, फिर हवाई। सब्सटेंटिव ऑफेंस का हिंदी क्या होगा? संयुक्त टाइप होगा क्या? वो तो संयुक्त, वो तो ज्वाइंट लायबिलिटी हो जाएगा, संयुक्त दायित्व। सब्सटेंटिव ऑफेंस का मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि सब्सटेंटिव ऑफेंस का हिंदी क्या होगा। नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है सुरेश जी, और मैं पता करूंगा कि नहीं। देखिए अंदाज नहीं लगाना है। सब्सटेंटिव ये शायद हो सकता, शायद क्या वास्तविक अपराध? गूगल पे सब्सटेंटिव ऑफेंस लेके इसका हिंदी ढूंढ सकता है। वास्तविक अपराध ही आता है क्या? वास्तविक अपराध है? मौलिक भी कहना, मौलिक तो फंडामेंटल को कहते हैं, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं मौलिक अधिकार, तो फंडामेंटल। तो यस रंजना, बताइए सब्सटेंटिव ऑफेंस को क्या कहते हैं हिंदी में? सारभूत अपराध। सारभूत अपराध, चलिए जो भी कहते हैं। सवाल यह है कि सब्सटेंटिव ऑफेंस किसे कहते हैं? आप में से कोई भी कैंडिडेट अगर इस सवाल का जवाब जानते हैं तो बताइए। कोई भी नहीं जानता है। सब्सटैंटिव ऑफेंस, यस बताइए सुरेश सर। लग रहा है नहीं, आप जानते हैं तो क्लियर बताइए कि ये है, नहीं जानते हैं तो मत बताइए। और कोई कहना, यस रंजना बताइए सब्सटैंटिव ऑफेंस किसे कहते हैं? आपने हैंड रेज किया। जी जी, आपका किसी व्यक्ति का अधिकार का, ये देखिए ये जबरदस्ती का आंसर और ये हवाबाजी है, इस हवाबाजी से बचना है इंटरव्यू में। सर अधिकार राइट का बात करते हैं सर। सब्सटैंटिव ऑफेंस वैसा ऑफेंस जो अपने आप में पनिशेबल है, उस ऑफेंस को सब्सटैंटिव ऑफेंस कहते हैं। 34 अपने आप में है पनिशेबल जब तक दूसरे सेक्शन ना हो। 149 अपने आप में पनिशेबल है, बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। हम लोग किताबों में पढ़ते हैं कि 34 इज नॉट ए सब्सटैंटिव ऑफेंस वेयर एज 149 इज सब्सटैंटिव ऑफेंस। तो बस ये बेसिक चीज नोट करते चलिएगा, ये सब पूछे हुए क्वेश्चंस हैं पिछले इंटरव्यू का। हम उन्हीं क्वेश्चंस को कर रहे हैं जो पिछले पूछे हुए इंटरव्यू है और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चंस हैं। जी सब्सटैंटिव ऑफेंस इज वन व्हिच इज पनिशेबल बाय इटसेल्फ। एब्डक्शन सब्सटैंटिव ऑफेंस है या नहीं? एंड किडनैपिंग? तो इसको सब्सटैंटिव ऑफेंस जो अपने आप में उसकी इंडिपेंडेंट सजा हो, अबेटमेंट सब्सटैंटिव ऑफेंस है या नहीं? मान लीजिए कि सुरेश, मैंने आपको कहा कि सुरेश इस आदमी को गोली मार दीजिए, आपने कहा नहीं मारेंगे। मेरे सवाल को ध्यान से सुनिएगा, आप एपीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं और प्रैक्टिकल अप्रोच से क्वेश्चन होगा। एग्जाम्पल देते हुए अब क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा और आपसे होगा कि नहीं होगा वो मुझे नहीं पता, हम लोग एक रियाज कर रहे, प्रैक्टिस कर रहे। मैंने सुरेश को कहा कि सुरेश इस आदमी को गोली मार दीजिए, सुरेश ने कहा नहीं मारेंगे गोली, आपको मारना है तो मारिए, हम नहीं मारेंगे। उसके बाद हम दोनों आदमी चुप हो गए, जिसको गोली मारना था वो भी चला गया, हम लोग भी घर आ गए। कोई ऑफेंस हुआ या नहीं हुआ? यस सर हुआ। कौन सा ऑफेंस हुआ और किसने किया? ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुआ। आप लोग क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसे इस तरह से इंटरव्यू फेस करेंगे हम लोग। ये दिस इज अबेटमेंट। अगर इस तरह इंटरव्यू हम लोग देंगे तो फिर हम लोग की हम लोग के लिए खतरे की घंटी बज जाएगी। आप देखिए पिछले 2-4 क्लासों से ऐसा हो रहा है कि डिस्कशन वगैरह, और बच्चे लोग भी कल से जिनको जवाब देना अपना डाटा रखिएगा, वीडियो ऑन करके जवाब दीजिएगा और जिनसे पूछा जाएगा वही जवाब देंगे। और एक चीज बिल्कुल आज के क्लास का अपने कॉपी में नोट कीजिए, जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता आपके मम्मी पापा, आपके फ्रेंड्स, कोई भी आपका पड़ोसी कोई भी आदमी अगर आपसे बात कर रहा है, आप सब्जी लेने मार्केट भी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि अगर सामने वाला आदमी बोल रहा है तो आप चुप हो जाएंगे, आप पहले उसकी पूरी बात सुनेंगे। इंटरव्यू आपका चल रहा है और बीच में आप बोल पड़ेंगे एक्साइटमेंट से, ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के तौर पे इंटरव्यू में नोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? यस सर। बाकी बच्चे लोग अगर इंटरव्यू, तो आज का लेसन यही है कि अपनी कॉपी में नोट कीजिए कि आप सब्जी लाने भी जा रहे हैं मार्केट में, आप किसी से भी बात कर रहे हैं तो उसकी बात को बीच में नहीं काटेंगे। ये आप उसके लिए देखिए, ऐसी आदतें जो लगी हुई है ना, तो अचानक इंटरव्यू में एक दौड़ सा इस तरीके का होता है कि आप अचानक से बोल पड़ेंगे। अब आपको अपने जज्बातों पे कितना कंट्रोल है, दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ पर्सनालिटी। इन सारे चीजों की बहुत ही माइन्यूट असेसमेंट होती है वहां पर, और इस चीज से हर मनुष्य ग्रसित होता है। मैं चूंकि अब मुझे इंटरव्यू नहीं देना है, तो एक नियम बनाइए जीवन का कि जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता तब तक थोड़ा सा पर्सनालिटी आपको उसी तरह से टैक्टफुली ट्रेन करना है, बात नहीं काटनी है, नंबर 1। नंबर 2 कि जल्दबाजी में कोई जवाब नहीं देना है आपको। अभी जो आपका आंसर गलत हुआ कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट, वो गलत सिर्फ और सिर्फ जल्दबाजी के कारण हुआ। आई कैन नॉट बिलीव कि स्टूडेंट कमिंग टू द इंटरव्यू और इस सिंपल से सवाल के जवाब में गलतियां होंगी। तो 2 चीजें, किसी की बात बीच में नहीं काटनी है, चाहे वो आपसे छोटा ही क्यों ना हो, चाहे आप सब्जी ही क्यों ना खरीद रहे हो। एकदम कूल अपने ऊपर रखना है, काम रखना है। बात काटने की बहुत बुरी बीमारी है, इस बीमारी पे तत्काल प्रभाव से कंट्रोल करना है आपको। कॉपी में इसको नोट कीजिएगा। नंबर 2 किसी भी बात को पहले अच्छे से सोचिए, उसके बाद जवाब दीजिए। जबरदस्ती का कोई एक्सप्लेनेशन, आप वहां इंटरव्यू में उनके सवालों का जवाब देने जा रहे हैं, आप वहां उनको इंटरप्रिटेशन के लिए नहीं जा रहे हैं। तो कोई चीज नहीं जानते हैं, अगर आश्वस्त नहीं है कहीं पे, तो सर मुझे लगता है कि ऐसा, वो भी कहने का तरीका, और बहुत ही डाउट है, आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो आप कह दीजिए कि सॉरी सर मुझे ध्यान नहीं आ रहा। अगर आप कहें कि सॉरी सर आई डोंट नो, सॉरी सर मुझे जानकारी नहीं है, तो उसे थोड़ा बेहतर आंसर है कि सॉरी सर मुझे ध्यान नहीं आ रहा इस वक्त। आगे पूछें कि क्यों नहीं ध्यान आ रहा, क्या प्रेशर में है, तो कहेगी सर वैसा तो प्रेशर नहीं है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के नाते, ह्यूमन एलिमेंट के नाते हो भी सकता है, मुस्कुराते हुए। तो ये सब आपके बेहतरीन आंसर होंगे। और 4थी बात, जो चीजें इनफॉर्मल क्वेश्चन में हमने रखी है, मैं खुद आपसे अपील करता हूं कि आप हमारी सलाहों पे बिल्कुल मत जाइए, और मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं और आपके मेंटर होने के नाते आपको आदेश भी देता हूं कि जो तथ्य हमने आपके सामने रखे हैं उस पे आप खुद विचार करके खुद फैसला लीजिए। अगर आपके मन में किसी भी तरह की शंका है तो मुझे टेलीफोन कर कॉल कीजिए, हम वहां भी आपके साथ हैं हमेशा। आज का टॉपिक पता नहीं कैसे टाइम इतना हो गया और हम लोग कुछ खास तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि कुछ खास नहीं, बहुत सारी चीजें डिस्कस किया, ऐसा कहा जा सकता कि कुछ खास नहीं कर पाए आज। क्या मनीष? ठीक है, मैं तो लिख लिया। आज हम लोग बहुत ही कंट्रोवर्शियल जोन में इंटर करे, इनफॉर्मल पार्ट में। और ये इतना देखिए, मेंटर होने के नाते मेरा आदेश है कि किसी भी कंफ्यूजन में आपको नहीं रहना है। आप लॉ ग्रेजुएट हैं, आप मैच्योर हैं, आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, आप अनाड़ी नहीं हैं। आपको ये फैसला खुद करना है। ये इंटरव्यू रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डिंग पोस्ट की जाएगी। जो जो चीजें मैंने आपसे कही है उस पे आप विचार कीजिए। मैं एक बहुत साधारण सा आदमी हूँ, मैं खुद को आइंस्टीन नहीं मानता, मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं एक एवरेज इंसान हूँ। मैं सिर्फ तथ्यों की बात करता हूँ और आपसे अपील भी यही करूँगा कि उन तथ्यों पे आप विचार कीजिए। आज का जो भी क्वेश्चन है वो कल के लिए एक लास्ट क्वेश्चन और पूछेंगे आपसे। ये जो कॉमन इंटेंशन है, दो क्वेश्चन पूछेंगे, ये इस पे आ गया है मेरे को। ये जो कॉमन इंटेंशन है और सेम इंटेंशन, इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है और डिसिमिलरिटी क्या है? कॉमन इंटेंशन और सेम इंटेंशन, सर डिफरेंस पता है, सिमिलरिटी नहीं पता होगा। चलिए डिफरेंस बताइए, डिफरेंस क्या है? कॉमन इंटेंशन में पहले वही प्री मीटिंग ऑफ माइंड होता है और सेम इंटेंशन में पहले प्री मीटिंग ऑफ माइंड नहीं होता है। इसके कॉमन इंटेंशन के अंदर में जितने भी मेंबर होते हैं वो सभी लोग इक्वली पनिशेबल होते हैं, पर सेम इंटेंशन में पनिश उनके ऑफेंस के हिसाब से होता है कि उन्होंने कितना एक्ट किया, उसके हिसाब से उन्हें पनिशमेंट मिलता है। आपका जवाब एब्सोल्युटली परफेक्ट, 100 में 100 नंबर मिलेगा, बिल्कुल शानदार और बहुत ही बढ़िया जवाब। अब परफेक्ट, मैं परफेक्ट शब्द अमूमन इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मैंने अभी इस्तेमाल किया। आपका जवाब बिल्कुल सही है। थैंक यू सर। एक थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन, कॉमन इंटेंशन में प्रीवियस मीटिंग ऑफ माइंड की आवश्यकता क्यों है? सर कॉमन इंटेंशन प्रीवियस मीटिंग ऑफ माइंड की जरूरत इसमें जितने भी मेंबर हैं वो सभी लोग एक तरह से प्लान करते हैं कि उन्हें क्या ऑफेंस कमिट करना है, वो लोग सारे मेंबर। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा, क्यों जरूरी है प्री मीटिंग ऑफ माइंड? हाँ, तो इस सवाल का जवाब दीजिए, क्यों जरूरी है प्रीवियस मीटिंग ऑफ माइंड? कैसे करना है और कौन सा कैसे, इस तरह का प्लान बनाने के लिए ऑफेंस किस तरह से करना है मेरे हिसाब से। कल ये हम लोगों ने चर्चा किया था, कल या परसों के क्लास में, क्यों जरूरी है। आप में से किसी को याद है तो बताइए, क्यों प्रीवियस मीटिंग ऑफ माइंड कॉमन इंटेंशन के लिए क्यों जरूरी है? कल या परसों के क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया, वो वीडियो आप देखिएगा, मिलेगा आपको। जी दीपक बताइए, क्यों जरूरी है? बिकॉज़ सर बेसिक कंडीशन दैट इट मस्ट बी शेयर्ड एंड एंटरटेन्ड अनलेस एंड अंटिल इट इज शेयर्ड एंड एंटरटेन्ड अमंग द मेंबर्स, इट कैन नॉट बी कॉमन। आपने बिल्कुल सही बताया है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन, अगर आप ये इतना समय लगा के कहने की बजाय अगर कहें कि नो इंटेंशन कैन बी कॉमन अनलेस इट इज फर्स्टली शेयर्ड, आपने 2-3 लाइन में बताया ना, उसका शॉर्टकट। चूंकि इंटरव्यू में जितने अंजुमन आप समझे, कोई भी इंटेंशन कॉमन हो ही नहीं सकता जब तक उस पे सहमति ना बने। और सहमति बनाने के लिए प्रीवियस मीटिंग ऑफ माइंड जरूरी है। और दोनों में समानता क्या है कि दोनों कॉमन इंटेंशन में भी एक स्पेसिफिक क्राइम के तरफ सभी लोगों का रुझान है और सेम इंटेंशन में भी है। जैसे मान लीजिए कोई लड़की जा रही है मार्केट में और कोई उसे छेड़ रहा, भीड़ इकट्ठा होकर पीट दी, लोगों का हुजूम लगा, लोगों ने अचानक रिएक्ट किया और लोगों ने अचानक पीटना उसे शुरू कर दिया। उनकी कोई मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हुई थी, तो इसलिए वो सेम इंटेंशन। अगर यहाँ हमारा क्लास चल रहा और हमने देखा कि सामने कोई छेड़खानी कर रहा, हम लोगों ने देखा, देखो ना वो सामने छेड़खानी कर रहा, सब लोगों ने देखा और तब हम लोग निकल के गए, तो यहाँ पे कॉमन इंटेंशन होगा या नहीं होगा? होगा। यहाँ पे क्लास चल रहा है और हम सब लोगों ने 10 लोगों ने देखा कि सामने बदतमीजी हो रही है। हम लोगों ने चर्चा किया, देखो बदतमीजी हो रही है, चलो उसको सबक सिखाते हैं। तो चलो उसको सबक सिखाते हैं, 10 आदमी देखने के बाद निकल के गए, तो शेयरिंग हो गया नहीं हुआ? यस सर, शेयरिंग हो गया। तो एक केस था कि कॉमन इंटेंशन कैन बी फॉर्म्ड ऑन द स्पॉट इवन, बट कॉमन इंटेंशन मस्ट प्रीसीड्स द क्राइम। केस का नाम एक ऐसा केस नहीं, ऐसे अनेकों केस है। तो जो आज वाले क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, कॉमन इंटेंशन या सेम इंटेंशन का एग्जैक्ट डिफिनीशन कहीं नहीं दिया गया है। कुछ केसेज को हम लोग पढ़ते हैं तो उन केसेज के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस केस के नाम से कौन सा केस जाना जाता है आईपीसी में? कॉमन इंटेंशन में भी पार्टिसिपेशन जरूरी है, सेम इंटेंशन में भी जरूरी है या नहीं है? अंजुमन, सेम इंटेंशन में पार्टिसिपेशन जरूरी है या नहीं है? तो अगर हम किसी चीज पे सोचेंगे, विचार, आपने अभी पहले कहा था कि डिफरेंस तो पता है लेकिन सिमिलरिटी नहीं पता, तो बहुत पहले लॉ ये था कि कॉमन इंटेंशन तभी कॉमन होगा जब पार्टिसिपेशन होगा सबका। अगर सबका पार्टिसिपेशन नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा। इस आइडियोलॉजी को सेम इंटेंशन आके पूरी तरह चौपट कर दिया, तब जाके आया कि कॉमन इंटेंशन में प्रीवियस मीट। जब आप पूरा थोरो डीपली पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें निकल के आएंगी आपको। तो सेम इंटेंशन में इंटेंशन वैसा ही रहता है स्पेसिफिक, सेम इंटेंशन में भी पार्टिसिपेशन होता है हर एक यूज का, और कॉमन इंटेंशन में भी। तो ये दो सिमिलरिटीज भी हैं और दो डिफरेंसेज आपने ऑलरेडी बताए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनल लायबिलिटी? Yes. Sir, a person is responsible for criminal act and accordingly he is punished. But when a person is punished for another person, he is made liable. A criminal act of another person is constructed upon that person, the first person I am talking about. It becomes the case of constructive liability. Group liability, yes. Yes, Sara. Yes, Sara, बताइए वीडियो vicarious liability कह सकते हैं. Yes. Vicarious 34 is based upon vicarious liability or not? Yes. 149 is based upon vicarious liability or not? Yes, sir. 34 में मान लीजिए कि 4 आदमी हैं, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 6 आदमियों ने मिल के क्राइम किया, मर्डर किया फॉर एग्जाम्पल, तो 6 आदमियों ने मिल के मर्डर किया, तो इसमें 34 लगेगा या 149 लगेगा? 149 लगेगा. 149 क्यों लगेगा और 34 क्यों लगेगा? मोर देन 5 क्या जहां भी मोर देन 5 होंगे तो ऑटोमेटिक 149 आ जाएगा? नो सर. अगर कहीं भी मान लीजिए कि मोर देन 5 है तो 149 ऑटोमेटिक आ जाएगा या 149 का जो इसेंशियल्स है, देयर हैज टू बी अनलॉफुल असेंबली फर्स्ट. Unless there has to be firstly there has to be unlawful assembly and accused has to be member of that unlawful assembly. As that murder should be in furtherance of that common object, which is specified in section 141, sir, 5 object. Yes. And if it is not in furtherance of that common object, then the 34 will apply, not 149. तो देखिए, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी मीन्स लाइबिलिटी फॉर द अदर. इट इज अनदर नेम एंड ऑल्सो रिजनेट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ विकैरियस लाइबिलिटी. अगर मान लीजिए कि एक क्राइम दो तरीके से हो सकता, कमिटेड by a single person individually or by a group of persons. अब group of persons अगर मिल के मान लीजिए कि 5 लोग ने मिल के क्राइम किया, तो ये फाइंड आउट करना कि क्राइम में किनका पार्टिसिपेशन कितना है. अब मान लीजिए कि 5 आदमियों ने मिल के किसी को गोली मारा, तो पिस्टल कौन लेके आया, रास्ता कौन देख रहा था, सूचना किसने दी. तो अगर क्राइम अगर ग्रुप के द्वारा किया जाता है मोर देन वन पर्सन, तो इट इज ऑलवेज वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड रादर समटाइम्स इम्पॉसिबल टू फास्टन क्रिमिनल लाइबिलिटी स्पेसिफिकली सेपरेटली ऑन ईच ऑफ द परपेट्रेटर्स ऑफ द क्राइम. तो हमारा लॉ क्या कहता है कि सबको इक्वल पनिशमेंट देंगे, विकैरियस लाइबिलिटी आ जाएगी. और वो कैसे कि लाइबिलिटी कंस्ट्रक्ट हो गई तो क्या कह देंगे, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी आ जाए. ये शॉर्ट एक एक्सप्लेनेशन है सिर्फ समझने के लिए, इंटरव्यू फेस करने. अब टाइम नहीं है ना कि फाउंडेशन वाली क्लासेज जो है, इन सबों पे एक एक कदम पे केस लॉज है. तो ग्रुप लाइबिलिटी में पार्टिसिपेशन इनटू द क्राइम, अगर विथ इंटेंशन है, विथ प्रीवियस मीटिंग ऑफ माइंड, तो प्रीवियस मीटिंग ऑफ माइंड 34 में भी है। कंस्पिरेसी का जो एग्रीमेंट है, इज दैट आल्सो इक्वल टू प्रीवियस मीटिंग ऑफ माइंड और नॉट? कंस्पिरेसी में देयर हैज टू बी एग्रीमेंट, अनलेस अंटिल देयर इज प्रीवियस एग्रीमेंट देयर कैन बी नो कंस्पिरेसी। क्या ऐसा कह सकते हैं हम लोग? Yes, sir. तो जो एग्रीमेंट में भी टेकन इनटू द नेचर ऑफ प्रीवियस मीटिंग ऑफ माइंड, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेचर ऑफ मीटिंग ऑफ माइंड इनटू 34 एंड इनटू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी? आप ये मान के चलिए कि आईपीसी का ये, अगर एपीओ के एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा एपीओ के इंटरव्यू में, तो फिर किस बात का इंटरव्यू? ये सारे बेसिक्स हैं, इनसे डिफिनिट क्वेश्चंस होंगे, इनसे और हर स्टूडेंट से होंगे, इनसे क्वेश्चंस नहीं होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब वैसे किसी से ना हो तो बात अलग है, लेकिन उम्मीद तो है कि इनसे क्वेश्चंस होने चाहिए और होंगे, हर साल होते तो हैं। तो यस यस राज, आज का टॉपिक ना, ये आपका देखिए, ये जो कुछ सेक्शंस हैं, जो आज का जो क्वेश्चन हमने जो पोस्ट किया है ना ग्रुप में, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस इंटरव्यूज के क्वेश्चन है। इनमें से हमारा कोई भी अपना क्वेश्चन नहीं है, ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है एपीओ एग्जाम में, एपीपी एग्जाम, वेरियस एग्जाम्स में। तो और खासकर आपको कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, सेम इंटेंशन, सिमिलर इंटेंशन। अब मान लीजिए कि 4 आदमियों ने मिलकर चीटिंग किया, तो टू चीट, ए का भी सिमिलर इंटेंशन हो, बी का भी। द होल डिफिकल्टी इज कि इन चीजों का डिफिनेशन, कॉमन इंटेंशन का, सेम का, सिमिलर का, इन सबों का कोई स्टैट्यूटरी डिफिनेशन नहीं है। कहीं आपको दिया हुआ स्टैट्यूट में कि कॉमन इंटेंशन का क्या डेफिनेशन होगा, कॉमन ऑब्जेक्ट का क्या डेफिनेशन? इज हैज स्टैट्यूट गिवन एनी ऑफ सच डेफिनेशन? हाँ, तो दीज डेफिनेशंस आर डिपेंडेंट अपॉन जुडिशियल डिसीजंस एंड किसी केस में उस केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेज के अंतर्गत। अब बहुत सारे आपको केसेज मिलेंगे, तो इंटरव्यू में इस लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है, इस लेवल तक पूछने का उनके पास भी समय नहीं है। अगर इस लेवल तक वो भी जाएंगे तो एक दिन में एक ही आदमी का इंटरव्यू होता रहेगा, तो वो भी नहीं पूछ सकते, और वो नहीं पूछ सकते इस लेवल का। तो हमारे लिए, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स अपना करके जाना है, मोटी मोटी चीजें जान गए। अब मान लीजिए ए और बी में एग्रीमेंट हो गया कि सी का मर्डर करेंगे, बाद में ए और बी को सद्बुद्धि जागी कि भैया काहे को मर्डर करेंगे, छोड़ दो उसको। क्या कोई ऑफेंस हुआ? नहीं हुआ। एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस इटसेल्फ इज द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चैप्टर बाद में ऐड किया गया आईपीसी में। कौन सा चैप्टर है? कब इंजर्ट किया गया? 1913। किस केस से जन्म हुआ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के डेफिनेशन का? क्वीन वर्सेस लियटम। Criminal conspiracy was one of the species of abatement previously. Is it correct? Correct. Yes, sir. First degree of principle and second degree of principle. ये कहाँ अप्लाई होता है? अबेटमेंट में या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में? अबेटमेंट में। अबेटमेंट में। Who is the first degree of principle into abatement? The person who actually committed the crime. And second degree of principle is who? Exactly correct. Why abettor is also to be punished? जिनका क्रिमिनोलॉजी है तो ध्यान देंगे एलएलएम में। एनी पार्टिसिपेशन इनटू द क्राइम इज पनिशेबल इवन इफ वाई नॉट सो स्मॉल। मच ऑफ द क्राइम कैन बी प्रिवेंटेड इफ इट इज नॉट अबेटेड। अबेटमेंट का 3 डिफिनेशन है, क्या क्या है वो तीनों डिफिनेशन? 3 चीजें चाहिए अबेटमेंट के लिए, इंस्टिगेशन और हाँ। तो देखिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप पैनिक नहीं लेंगे, इंटरव्यू में आपके बहुत आसान से सवाल रहते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा बेसिक से आगे थोड़ा सा इन डेप्थ हम तैयारी करा दें तो जो आसान से सवाल आपसे पूछे जाएंगे आप बहुत सहज महसूस करेंगे इंटरव्यू में और आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। बेसिक्स के लिए आप इतने डिफिकल्ट सवाल नहीं होते इंटरव्यू में, इस बात के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपना बेसिक्स करना है। अभी तक जो भी हम लोगों ने चर्चा किया, जो लॉजिक आपको 1-2 हमने सेफर साइड में दे दिया, जैसे हुआ ना कि नो इंटेंशन कैन बी कॉमन अनलेस इट इज फर्स्टली शेयर्ड। आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा कि व्हाई प्रीवियस मीटिंग ऑफ माइंड इज नेसेसरी, ये बिल्कुल नहीं आपसे पूछा जाएगा। लेकिन हमारे लॉजिक देने का सिर्फ मकसद इतना है कि अगर इन केस कहीं अगर वैसी आवश्यकता पड़ी और आपका ये जवाब है कि नो इंटेंशन कैन बी कॉमन अनलेस इट इज फर्स्टली शेयर्ड, तो ये लॉजिक उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप जबरदस्ती का, ये थीम नहीं है और आप जबरदस्ती का सुनाने लगे उनको। इंटरव्यू में खुद पे लगाम लगाना है, खुद पे ब्रेक लगाना है। फालतू का या अननेसेसरी एक भी शब्द नहीं बोलना है आपको। अगर आप अननेसेसरी शब्द बोलते हैं वो भी इंटरव्यू में तो किस तरह की पर्सनालिटी होगी आपकी? अगर आप इंटरव्यू में अननेसेसरी शब्द बोलते हैं, अनवांटेड एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी कैसे जज की जाएगी? क्या ये आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है या नहीं है कि अनवांटेड एक्सप्लेनेशन, अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन? ये छोटा सा सवाल है मेरा कॉमन सेंस का, इसका जवाब दीजिए हमको। इट में भी तो रिकॉर्डिंग सारी यूट्यूब पे आएंगी। और आज के लिए इतना ही। आज का जो भी क्वेश्चन है कल रिपीट होगा, बेसिक्स है, इन बेसिक्स को आप अच्छे तरह से पढ़ लेंगे। और आपका भी सपना है कि ये मिशन एपीओ कामयाब हो, मेरा भी सपना है। हम लोगों में कोई भी किसी भी तरह का मतभेद नहीं है, आना कभी हो सकता। अगर मैं आपके किसी काम आ सका तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी, अगर आप आपके सपने को अगर मैं साकार कर पाया तो आप अपने मन में किसी भी तरह का कोई गलतफहमी नहीं रखेंगे। आपको कोई भी संकोच हो आप सीधे फोन उठा के मुझे कॉल कर दीजिए, मैं फ्री रहूंगा तो बात कर लूंगा आपसे, नहीं तो मैं कॉल बैक हर किसी को करता हूं देर सवेर। तो अपने मन में किसी भी तरह का बोझा नहीं रखना है। आज के सवाल कल भी कंटिन्यू होंगे, कल कंटिन्यू करना, चूंकि ये बहुत बेसिक्स है। और जिन लोगों का बायोडाटा बन जाता है वो लोग भेज दें, उनसे उनके इनफॉर्मल क्वेश्चन जो भी हो सकते वो किया जाएगा। तो एनीथिंग एल्स एट द एंड? हाँ, सीवीज एक तैयार करके, रफ सीवी तैयार करके वो भेज दीजिए ताकि हम फोकस कर सकें कि आपके प्रोफाइल से आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी ठीक है, देख लेंगे, उसको देख लेंगे। एनीथिंग किसी भी आप सीधे एक कागज पे लिख के उसका फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं है, आपका समय बहुत कीमती है, फालतू चीजों में समय नहीं बर्बाद करना है। बिल्कुल स्मूथ, आप एक सादे कागज पे हाथ से लिखिए, कोई टाइप टूप कहीं नहीं जाना है, सीधा 2-4 लाइन लिखना है आपको कि आपने LLB कब किया है, LLM किया नहीं किया, उसके बाद क्या किया, ये 2-4 लाइन। वो एडमिशन फॉर्म नहीं है कि ये कीजिए वो कीजिए, एडमिशन फॉर्म हम लोगों की अपनी कुछ मजबूरियां हैं इंस्टीट्यूशन की, तो हम इसके भी फेरा में नहीं थे कि भाई स्टूडेंट होता चलो सब आओ, लेकिन बहुत सारी जगह हमारी भी चीजें नहीं चल पाती, हमें भी और लोगों का ख्याल रखना पड़ता है। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है। सी यू टुमारो। थैंक्स फॉर अटेंडिंग क्लास टुनाइट। गुड नाइट।